अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर, ये मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम देखें सर्वर डिप्लॉय करेंगे नारिको के ऊपर, तो उसमें जाहिर कुछ यूजर भी, मैंने डेटा भी इसी तरह जिस तरह आपने ऐड किया था उस तरह ऐड किया था। आज मैंने जब सर्च किया तो उसमें वो गेट आर यूजर से वो डेटा नहीं आ रहा था, फिर अभी मैंने नए सिरे से उसको यूजर बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब आप थोड़े दिनों के बाद उस डेटा को सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि वो जो डेटा हमने सेव किया था वो हमने लोकल वेरिएबल में सेव किया था। ठीक है, मैं वो कोड भी ओपन कर लेता हूँ दोबारा। ये है वो सर्वर की फाइल जो हमने बनाई थी ना लास्ट। अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो अलग अलग से हमने शायद बनाया था लास्ट टाइम। ये सर रेस्टफुल स्क्रीन हरी नहीं को, शेयर हो रही सर, रेस्टफुल के अंदर ही बनाया था हाँ मतलब। रेस्टफुल के नाम से एक मैंने अलग बना लिया था रिपीट करने के लिए। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, मैं वो कोड ज़रा तलाश कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा तो ये रेस्टफुल को मैं उठा के इसके अंदर ले आता हूँ ना। सही है, यहाँ पे इसके अंदर लेकर आ गया मैं। अच्छा जी, तो ये वो कोड है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था। अच्छा लास्ट से लास्ट क्लास का कोड मैंने शायद पुश नहीं किया था, ये कुछ कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, ये कोड पुश हुआ है लेकिन वो नहीं, कोड पुश नहीं हुआ। सर अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आप। स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, रोक के दोबारा कर देता हूँ ये लो। देखो अब आ गई। अच्छा नो सर, तो तुम बताए क्या करो, ये जो पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है ना, जो जो 27 लिखा हुआ आ रहा है और नीचे बंदा बना हुआ आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे जाके ना INZ ऐसे मेरा नाम लिखो, और जो प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन ऐसे बना हुआ आ रहा है जहाँ पे, प्रेजेंटेशन के ऊपर ना ये जो पिन का बटन है ये दबा दो, तो तुम्हारे पास जो है ना ये मेरी स्क्रीन शो हो जाएगी। सही है, करो देखो होती है नहीं होती। अच्छा सर जो आपने बनाने के लिए दिया था वो मैंने बना लिया था, ज़रा चेक कर लें आप। अच्छा पहले तो मैं ये इनके सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा ये मैंने वो कोड खोल लिया लास्ट क्लास वाला रेस्टफुल करके, जो मैंने फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से पूरी रिवाइज़ किया था पूरा। और इसके अंदर मेरे पास एक API है स्लैश यूज़र, ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट है जो यूज़र को क्रिएट करने के लिए बंदा कॉल करेगा। ये API कोई भी क्लाइंट इस API को कॉल करेगा, क्या करने के लिए, यूज़र को क्रिएट करने के लिए करेगा। अच्छा जब ये यूज़र क्रिएट होता है तो असल में हम क्या करते हैं, यूज़र्स के नाम का एक वेरिएबल है उसमें उसको पुश करवा देते हैं। ठीक है, पुश करवा देते हैं, एक करवाते हैं, दो करवाते हैं, ये पुश होता जाता है इसमें और मुझे दिखता रहता है। ठीक है, अच्छा फिर गेट यूज़र की जो API कॉल करेगा बंदा, वो उन तमाम यूज़र्स को गेट करने के लिए करेगा। ठीक है, उन तमाम यूज़र्स को गेट, हम क्या करते हैं कि वेरिएबल लोकल जो वेरिएबल है यूज़र्स का, ये पूरा वेरिएबल एज इट इज़ उठा के भेज देते हैं इसमें जो कुछ भी है। अब देखो होता क्या है कि हरिको के जो सर्वर को ना, अगर आप थोड़ी देर तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो सर्वर को बंद कर देता है आपके। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लास्ट टाइम जो सर्वर लिखा था यहाँ पे, उसको ज़रा मैं खोल के देखता हूँ, heroku.com, तो आप देखेंगे वो ना बंद हुआ हुआ होगा, स्लीप में गया हुआ होगा। ये बड़े गौर से देखिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। ये आपको ना यार मैंने कौन से ईमेल पे बनाया था मैं वो भूल गया, info@sysborg पे बनाया था, याद आ गया। उड़े और पासवर्ड उसका मैंने, ओ नो क्या कर रहा है ये मेरे साथ। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, यार क्या पासवर्ड रखा है मैंने, चलो फॉरगेट कर लेते हैं। कहाँ गया फॉरगेट, फॉरगेट योर पासवर्ड।
चेक योर इनबॉक्स, अब मैं ज़रा यहाँ पे चेक इनबॉक्स कर लेता हूँ। इनबॉक्स कहाँ भेज दिया इसने भाई, नोटिफिकेशन में भेजा। नहीं ये मलिक एट सिसबॉल था, इन्फो नहीं था। मेरे पास जो इस वक्त मेल खुली हुई है वो मलिक एट सिसबॉल खुली हुई है। इनबॉक्स आया कुछ? आया नोटिफिकेशन में कुछ आया? आ गया। और ये मैंने कॉपी करके इसको मैंने कहा कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये आ गया मेरे पास न्यू पासवर्ड। अच्छा तो न्यू पासवर्ड मैं इसका ये वाला लगा देता हूँ। अरे यार सही है जी, ये हो गया अपडेट। अब इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यार ये क्या तंग कर रहा है मेरे को यार। अभी मैंने पासवर्ड सेव का बटन दबाया वो गायब हो गया। एक काम करते हैं मैनेज पासवर्ड में जाके देख लेते हैं। पासवर्ड्स कहाँ गया मेरे पासवर्ड्स? ये मेरे आ गए पासवर्ड्स। इसमें मैंने कहा कि अच्छा ये मलिक एट सिसबॉर्ग आ तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो शो नहीं कर रहा उसमें। तो मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सही है, यहाँ से मैं कॉपी करके इसको और यहाँ पे लॉगिन लगा के देखता हूँ। ओके अच्छा ये जो पासवर्ड था ये क्या हो चुका था? अब मुझे ये वाला पासवर्ड चाहिए एक्चुअली। अच्छा ये किस वजह से हो रहा है ये मेरे समझ आ गया। असल में जो वो पासवर्ड न्यू का ना उसका यूआरएल कुछ और है और यहाँ का यूआरएल कुछ और है, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा उसको। यार मेरी ज़िंदगी आधी कर दी इसने तो आज। एक काम करता हूँ इन दोनों को रिमूव मारता हूँ। इन दोनों को रिमूव मार के दोबारा से फॉरगेट करता हूँ, यही कर सकते हैं। और क्या करेंगे इसके साथ में? ठीक है जी, दोबारा से मैंने फॉरगेट पासवर्ड किया और ये मेरे पास यहाँ आ जाना चाहिए। ये आ गया दोबारा। कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पर और यहाँ पेस्ट किया। अब ये id.hariko.com और id यार सेम तो है। अच्छा चलो भाई ज़िंदगी में ये लॉगिन हुआ। अच्छा अब जबकि ये लॉगिन हो चुका है, ये देखो ये वाली वो ऐप है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, राइट? ये ऐप है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी। अब इस ऐप के ऊपर ना ये देखो जेड जेड बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये ऐप ना इस वक्त हरिको इसको बंद कर चुका है। हरिको इसको क्या कर चुका है? बंद कर चुका है। अब अगर मैं इस API को कॉल करूँगा ना तो ना तो ये वेरिएबल बचा है, अब ये वेरिएबल ख़त्म हो चुका है क्योंकि सर्वर क्लोज हुआ, वेरिएबल ख़त्म। सर्वर जब दोबारा स्टार्ट होगा
तो ये वेरिएबल नए सिरे से बनेगा और एम्प्टी होगा ये। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं देखो इसको कॉल करूँगा ना, इसको ये फ़ौरन जाग जाएगा। अच्छा कॉल कैसे करूँगा मैं, पोस्टमैन से। पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। एक ज़माना था पोस्टमैन बड़ा लाइट वेट सॉफ्टवेयर हुआ करता था, अभी देखो पता नहीं क्या कर रहा है ये। आज की डेट में खुली जाए बस। सर ये हद से ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है सर। हाँ ये पहले एक ज़माने में बड़ा लाइट वेट हुआ करता था ये। सर इससे मुकाबले थंडरबर्ड स्पीड से काम कर रहा है। हाँ नहीं अभी लेकिन फ़िलहाल हम इसको यूज़ करते हैं। ये समझ में आ गया तो थंडर तो फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा। ये असल में अपडेट हुआ है ये अभी ना, ये अपडेट होने के बाद ये मस्ती कर रहा था। अच्छा तो अब ये देखो सोशल मीडिया सर्वर डॉट सिसबॉर्ग और harico.com/user। अब इस पे देखो मैं गेट की रिक्वेस्ट करूँगा ना, जब मैं इस पे गेट की रिक्वेस्ट करूँगा तो दो चीज़ें नोट करने वाली हैं यहाँ पे। अभी तक मैंने रिक्वेस्ट की नहीं है, सही है। देखो अभी तक ये सो रहा है, अभी तक जागा नहीं है ये। यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं। नंबर एक तो रिस्पॉन्स टाइम ये बहुत देर में करेगा, सही है, ये चीज़ नोट करना। नंबर दो बात, ये जो वेरिएबल मेरा होगा ना वो चूँकि खाली हो चुका है तो मेरे पास डेटा कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डेटा इस पर क्रिएट किया था, वो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम इसको रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। ये मैंने रिक्वेस्ट मारी, अब ये देखते हैं बड़ी देर में रिस्पॉन्स आता है पहली रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वो सर्वर सो चुका है। ठीक है ये अभी देखो चल रहा है, अभी तक ये चल ही रहा है। अच्छा तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स टाइम आया इसका कितना आया, 7 सेकेंड आया है। और ये एम्प्टी एरे मेरे पास डेटा आ गया रिस्पॉन्स में। अच्छा ये क्योंकि सर्वर सो चुका था इसलिए मुझे 7 सेकंड लगा इसको वापस मुझे रिस्पॉन्स करने में। लेकिन अगली दफ़ा जब मैं करूँगा ना इसको रिक्वेस्ट, देखो ये फ़ौरन आ जाएगा। ठीक है अब इसने 7 सेकंड की जगह 200 मिली सेकंड लगाया, यानी 1 सेकंड को भी अगर आप 5 हिस्से करें ना तो उसमें से एक, सॉरी 5 हिस्से नहीं, 5000 सॉरी 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। हाँ सही है, ऐसा ही है। 1 सेकंड को 5 हिस्से करेंगे ना तो 1 सेकंड के 5वें हिस्से में मुझे रिस्पॉन्स आ गया, यानी काफ़ी तेज़ आया। अच्छा 200 मिली सेकंड अगर रिस्पॉन्स है तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है 200 मिली सेकंड अगर आपके रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है तो इसको नॉर्मल रिस्पॉन्स टाइम समझा जाता है। ठीक है 200 से कम आ रहा है तो बहुत अच्छा है कि जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है भाई। समटाइम 10 मिली सेकंड में भी आ जाता है समटाइम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 200 250 या 500 मिली सेकंड से ऊपर जा रही है गाड़ी ना तो फिर उसको समझा जाता है कि नहीं यार अब ये स्लो डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है तो मैं इस पर मल्टीपल रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑन एवरेज क्या देता है मुझे ये। ठीक है ऑन एवरेज मुझे ये 200 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है, 200 से 250 के दरमियान। ठीक है तो 200 से 250 के दरमियान जो मुझे दे रहा है तो ये बिल्कुल सही है, सही है। इसको एवरेज इस रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है ना, कितना डेटा हम भेज रहे हैं सर्वर पे, कितना डेटा हम भेज रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हमने सर्वर क्योंकि अभी हमारा फ्री वाला सर्वर है, फ्री वाले सर्वर पर 200 भी दे रहा है तो बड़ी बात है। ठीक है फिर दूसरा ये कि हम किस रीजन में भेज रहे हैं। हरिको जो फ्री वाला है वो USA का है तो यहाँ मेरे कंप्यूटर से उठ के रिक्वेस्ट जा रही है USA में, तो वो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। ठीक है अगर मेरा पाकिस्तान का कोई सर्वर होता तो उसमें मिली सेकंड ये मेरे पास बेहतर आता और अच्छा रिस्पॉन्स टाइम आता मेरे पास। ठीक है तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। तो हमने देखा ये एम्प्टी एरे ही मेरे पास आ रहा है क्योंकि वो वेरिएबल था, वेरिएबल ख़त्म हो चुका है। अच्छा ये हमने वक्ती तौर पे वेरिएबल में बनाया था, हम इसके लिए डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है डेटाबेस हम MongoDB यूज़ करेंगे। ठीक है टू डू रिप्लेस दिस विथ MongoDB। ठीक है हम ये जो वेरिएबल है ना इस वेरिएबल को MongoDB से हम रिप्लेस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा एक और भी दोस्त कुछ सवाल पूछ रहे थे। जी दोस्त एक और दोस्त कोई सवाल पूछना चाह रहे थे वो भी प्लीज़ पूछ लें फिर हम आज के कंटेंट की तरफ चलते हैं। सर ये मैंने इनबॉक्स में लिंक शेयर किया है वो गेट का बटन गायब हो जाता है जब वो उसको, फिर मुझे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या मतलब वो जब गेट आर यूज़र का बटन बनाया था ना
जब साइन अप करता हूँ तो वो यूजर तो क्रिएट होता है, बटन पता किस तरह गायब हो जाता है, मुझसे सीधा नहीं हो रहा था। हाँ देखें, दिखाएं मुझे वो स्क्रीन, शेयर कर दें अपनी। अजान की आवाज आ रही है मेरे कान में सर। ये लिंक मैंने शेयर किया क्योंकि लाइट नहीं थी तो मेरे मोबाइल पे ना ये। अच्छा ये अफजल अहमद आ रहा है आपका, कौन सा आ रहा है? नहीं नहीं ये रिजवान होगा। रिजवान, अच्छा ये मोहम्मद रिजवान। थोड़ी अजान होने दे। हाँ अजान, अजान का भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर क्या ये फॉर्म भरता हूँ ना मसलन, इसमें डेटा देता हूँ तो वो गेट आर यूजर गायब हो जाता है, फिर मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है ये बटन को। अब इस पैराग्राफ से बाहर करते हैं, सेट हो जाएगा मसला। ये बटन आपके पैराग्राफ के अंदर है ना, तो आप पैराग्राफ में जब कोई डेटा डालते हैं तो ये बटन गायब होकर वो डेटा आ जाता है। इस बटन को पैराग्राफ से जस्ट आपने बाहर करना है या एक दूसरा पैराग्राफ इस बटन के लिए बना देना है। ठीक है सर, डिव भी लगा सकता हूँ सर उससे? हाँ डिव भी लगा सकते हो, कोई बात मसला ही नहीं। ठीक है, हम दो मिनट और अजान का वेट करते हैं, फिर एक सवाल और है इनका, मोहम्मद अहमद का, वो भी लेते हैं इंशाल्लाह।
अच्छा भाइयों, तो अज़ान हो चुकी है ऑलमोस्ट। अच्छा मोहम्मद अहमद, आप क्या सवाल पूछ रहे थे, प्लीज़ पूछ लें। सर जी मेरा एरर आ रहा है नोड में ड्यूज का। जहाँ से शुरू से दिखाओ एरर पूरा। सर ये एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड। इसको हाइड तो करो, पॉपअप को हाइड करो। NPM स्टार्ट से चलाओ ना, ये गलत चला रहे हो तुम। प्रॉपर तरीके से चलाओ, शुरू से आदत रहेगी ना तो प्रॉपर सही चलेगा फिर। ये एरर आ जाता स्क्रॉल तो करो बाबू, इस एरर को पढ़ तो लो पूरा, स्क्रॉल तो करो थोड़ा सा। सर फुल स्क्रॉल है। फुल स्क्रॉल नहीं है ना ये, जहाँ से आपने NPM स्टार्ट चलाया था वहाँ से स्क्रॉल करके आहिस्ता आहिस्ता आओ नीचे। फुल स्क्रॉल तो नहीं है ना ये, देखो ना ये लिखा हुआ है इसके अंदर, कैन नॉट फाइंड। नहीं थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये पूरा नीचे आ गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो एरर का, ये लंबा सा जो लाइन है ना इसको शुरू से पढ़ो। कैन नॉट फाइंड पैकेज कोर्स इंपोर्टेंट। सही है, जो कोर्स आपने ऊपर लगाया हुआ है ना ये आपने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैसेज का एरर का जो है ना वो पढ़ेंगे ना आप, तो आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो मैसेज जो है ना एरर का, इसको पढ़ा करें। हाँ, हर प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से करना होता है। एक दफ़ा करें इंस्टॉल ज़रा, अभी देखें फिर क्या होता है। NPM इंस्टॉल कोर्स भी तो लिखे ना साथ में, पैकेज का नाम भी तो लिखे। NPM इंस्टॉल कोर्स या NPM आई कोर्स ये भी कर सकते हैं। आप चलाएं इसको दोबारा से NPM स्टार्ट करके। सर एक हो रहा है कि ये जो आपने वो फॉर्म बनाया था उसके लिए अलहदा रेपो बनाएंगे, इसके अंदर ही वो index.html की फाइल ऐड कर ले। इस सर्वर का जो फ्रंट एंड होगा ना वो इसी के अंदर होगा। ठीक है सर, वो जैसे पहले अलहदा अलहदा बनाया था वैसे नहीं करना। वो पहले तो मैं समझाने के लिए बनाया था ना, जो लास्ट क्लास में बताया ना मैंने, वो प्रॉपर तरीका। अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीका लेके चलेंगे। अब तो समझना समझाना तो हो गया ना, हेलो वर्ल्ड हमारा माशाल्लाह सब लोगों का हो गया है, तो अब हम प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे जो प्रोफेशनल वे है। ठीक है, मैंने आपको के अंदर सब कुछ करेंगे। एक एक प्रोजेक्ट जो होगा ना हमारा, एक प्रोजेक्ट वो सर्वर और फ्रंट एंड से मिल के बनता है प्रोजेक्ट। तो सर्वर भी उसी फोल्डर में होगा, प्रोजेक्ट में उसी रिपोजिटरी में, और उस सर्वर का जो फ्रंट एंड है HTML है उस सर्वर का, वो भी उसी फोल्डर के अंदर होगा। सही है जी। सर मैंने ज़रा अलग अलग बना लिया था तो कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन अब बेहतर ये है कि उसको आप एक फोल्डर में ही कर लें, वो ज़्यादा सही है। ठीक है सर। अच्छा और किसी का कोई अगर सवाल है लास्ट क्लास से मुतालिक तो प्लीज़ वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ। सर जी कि जिस तरह हम PHP में करते हैं ना, PHP में हम डेटाबेस बनाते हैं और वहां से डेटा फेच करते हैं या उधर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे इस तरह वही सर्वर्स का मतलब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो हम नोड में करेंगे, नोड में जस्ट हम बैकएंड पे सर्वर हर एक प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे, PHP में हम इस तरह कुछ भी नहीं करते। नहीं PHP तो सर्वर की लैंग्वेज है, जो PHP जो होता है ना वो तो सर्वर की लैंग्वेज है। लेकिन जिस तरह आप जी जी है, लेकिन ये जिस तरह आप बना रहे हैं ना जी, मतलब इस तरह सर्वर्स तो मैंने कभी वहाँ पे नहीं बनाए, मैंने वहाँ पे वेबसाइट भी बनाई और होस्ट भी किए, और इस तरह का मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं जितना मैंने PHP पे वैसे पर्सनली कभी काम नहीं किया, लेकिन जितना मुझे आइडिया है ना PHP का, वो मैं आपको ना ड्राइंग में बना के समझाता हूँ, आप समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको ना, अगर आप ओके सर थैंक यू। कि ना PHP में काम होता कैसे है, PHP में असल में होता ये है कि ये आपका क्लाइंट है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आप जब URL लिखते हैं ना क्लाइंट के ऊपर, तो रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है सर्वर पे। नजर नहीं आता। अच्छा सर स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखो आ गई स्क्रीन अब।
अच्छा, ये आपका जो क्लाइंट है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से जब आप यूआरएल हिट करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर पे, ठीक है। अच्छा, सर्वर जो है वो HTML टेम्पलेटिंग इंजन होता है इसके अंदर, जिसके ज़रिए वो HTML यहाँ पे तैयार करता है पूरा टेम्पलेट्स के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा HTML तैयार करता है वो। अब चाहे वो डेटाबेस से डेटा लाके और वो उसको भी बीच में शामिल करे उस पेज के, या डेटाबेस से कुछ भी ना लाए, स्टेटिक पेज ऐसे ही बना दे, और वो बना के ना वो वापस इसको देता है, ठीक है। तो हर रिक्वेस्ट पे, मिसाल के तौर पे आपने ये लॉगिन का फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है, आपने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिखा और आपने बटन दबाया कि भाई मुझे लॉगिन कर दो, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पे, वो क्या होता है कि जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो प्रोफाइल का पूरा पेज यहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। ये प्रोफाइल का पूरा पेज तैयार होता है यहाँ पे, और वो पेज वापस फ्रंट एंड पे आता है, ठीक है। तो असल में होता ये है कि आप कोड सिर्फ एक ही लिख रहे होते हैं, सिर्फ सर्वर लिख रहे होते हैं आप PHP के अंदर। PHP में आप फ्रंट एंड का कोड अलग से लिखते ही नहीं हैं, आप सर्वर के अंदर ही क्या करते हैं, HTML भी लिख रहे होते हैं। अच्छा, HTML भी नहीं लिखते आप, असल में टेम्पलेटिंग इंजन के ज़रिए वो आप भेज रहे होते हैं, तो आपको HTML भी मोस्ट ऑफ द टाइम खुद से नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। तो आप सिर्फ सर्वर लिखते हैं और साथ में डेटाबेस एक बना लेते हैं आप, उसको आप फैच करते रहते हैं। ऑन अदर एंड इसमें क्या होता है, हमारे जो अभी ये, अच्छा अब ये जो तरीका है ना, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन तो इसमें भी हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट सर्वर, अब जाहिर है जैसे ये फ़िलहाल लॉगिन का पेज ये खुला हुआ है, ये लॉगिन का पेज सर्वर ने तैयार करके भेजा है ना यहाँ पे, और इस लॉगिन के पेज से अब रिक्वेस्ट होती है, तो ये लॉगिन का पेज असल में फ्रंट एंड है, लेकिन आप अलग से कोड नहीं लिखते। अच्छा, तो अब एक जो नई अप्रोच है, जो न्यू अप्रोच है, दैट इज़ कॉल्ड डी कपलिंग, कि क्लाइंट और सर्वर को ना अलग अलग कर दिया जाए, ताकि दो लोग अलग अलग उस पर काम कर सकें। PHP के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रंट एंड पे अलग बंदा काम करे और बैकएंड पे अलग करे, एक ही बंदा है, वो दोनों पे काम करना पड़ता है उसको, क्योंकि सर्वर का ही कोड होता है, फ्रंट एंड का कोड अलग से आप आमतौर पे नहीं लिखते। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई आप ना एक बनाओगे फ्रंट एंड का कोड अलग, सही है, ये एक होस्टिंग सर्विस है github.com की, या फायरबेस होस्टिंग या नेटलीफाई होस्टिंग। अब जब पहली दफ़ा बंदा खोलेगा ना अपना, जब स्क्रीन खोलेगा पहली दफ़ा, तो यहाँ से जो है ना इसके पास ये पूरा HTML, जितना भी पॉसिबल HTML है ना, सब यहाँ आ जाएगा फ्रंट एंड के ऊपर। अब ये HTML के ऊपर जब वो बटन प्रेस करेगा, छोटे छोटे बटन लगे हुए होंगे, कोई भी जो भी फीचर होगा, पूरे नेविगेट करेगा, चार पांच पेजेस होंगे, तो ये github.com से जो है ना ये पूरे पेज एक ही दफ़ा में शुरू में ही उठ के आ चुके हैं, सही है, आपके फ्रंट एंड यहाँ पे पहुँच चुका है। अब उसके बाद आपके पास एक अदद सर्वर होता है, वो अलग होता है, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग सर्वर, बाय द वे मैं इसको भी बना सकता हूँ अपने ना, हरिको में होस्टिंग सर्वर भी बना सकता हूँ मैं, मुझे गिटहब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि गिटहब को यूज़ कर ही लूँ मैं। फिर क्या होता है, जब बटन दबाते हैं तो यहाँ पे जेसन में रिक्वेस्ट जाती है, और यहाँ से रिस्पॉन्स भी किस में आता है, जेसन में आता है। ये जो तरीका है ना कि जेसन में रिक्वेस्ट करें और जेसन में रिस्पॉन्स आए, इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा, डीकपल हो जाती है। डीकपल होने का मतलब ये है कि कल को अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, ज़रा नीचे एक मोबाइल एप्लीकेशन की भी क्लाइंट बना देते हैं। अब अगर कल को कोई मोबाइल एप्लीकेशन है ना, तो वो भी इसी से बात कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये मेरा क्या है, मोबाइल पे खुली है वेबसाइट, या मोबाइल एप्लीकेशन है ये। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन में जो फ्रंट एंड होता है वो क्या होता है, मोबाइल ऐप जो होती है ना, वो असल में फ्रंट एंड होती है, उसमें पेजेस पहले से ही बने हुए होते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल ऐप को, तो वो सारे पेजेस उसमें पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कौन सा किस क्लिक पे खोलना है, वो उसके अंदर लॉजिक लगी हुई होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब मेरे पास यहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हुआ हुआ है मोबाइल ऐप में, तो वही API जो मेरे वेब से कॉल होती है लॉगिन के लिए, वही API ये यहाँ से भी तो कॉल कर सकता है सर्वर को, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा इसको, ठीक है। तो डीकपल करने का ना फ़ायदा ये है कि अब मेरे पास क्या है, जैसे PHP में होता था ना भाई, एक वेबसाइट से ही कम्युनिकेट हो सकता है सर्वर से, और कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, अगर करना आपको है कोई और, तो फिर सर्वर पे उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा कि यार मोबाइल ऐप की ना APIs अलग से आपको बनानी पड़ेंगी, JSON वाली APIs अलग से आपको बनानी पड़ेंगी, तो काम डबल होता है बिलावजह। तो यहाँ पर क्या होता है, आप एक ही सर्वर API एक ही दफ़ा लिख देते हैं आप, उस API को आप जहाँ से भी चाहें कॉल करें, आपको यानी सर्वर को ना चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इवन दो के जैसे आप मोबाइल ऐप है ना, कोई IoT की डिवाइस है,
कोई रसबरी पाए है, कोई ऐसा डोर बेल लगा हुआ है, कोई ऐसी स्क्रीन है, तो वो डायरेक्ट वो भी इसको कॉल कर सकता है, ठीक है, कहीं से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं और ये आपको रिस्पांस देगा। मिसाल के तौर पे वेदर, अगर आपने ये सर्वर एक बनाया हुआ है जो कि वेदर का डेटा देता है, तो वेदर का डेटा जो है आप रसबरी पाई की जो डिवाइस होती है उससे के ज़रिए भी उसको कॉल करवा सकते हैं, कोई माइक्रो कंट्रोलर है उसके ज़रिए भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो LCDs आ रही है ना नई वाली, उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, तो वो कॉल करते हैं अपने सर्वर को और टाइम उठा के ले आते हैं। आजकल जो नई वाली LED TV है उसके अंदर टाइम सेट नहीं करना पड़ता आपको, वो इसी वजह से नहीं करना पड़ता कि वो किसी सर्वर को कॉल करके वहाँ से टाइम मंगवा लेता है। तो ये बेनिफिट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम API लिखते हैं ना JSON वाली, इसका जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड RESTful API। अच्छा, RESTful API जो है वो ये वाली RESTful API नहीं होती, क्योंकि ये JSON में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं करती। तो पांच ऐसी क्वालिटीज़ हैं, वो किसी भी सर्वर में अगर मौजूद हों तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं RESTful सर्वर, ठीक है। या किसी भी सर्वर या API एक ही बात होती है असल में, ठीक है, सर्वर आमतौर पर API से ही कॉल होता है। तो किसी भी सर्वर में अगर वो पांच क्वालिटी मौजूद है तो हम उसको बोलते हैं RESTful सर्वर, या उसको RESTful APIs भी कहा जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि RESTful API मैं Node.js में बनाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। RESTful API PHP में भी बनाई जा सकती है, ठीक है। PHP में आप APIs अगर लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप मुझे रिक्वेस्ट में भी JSON चाहिए और रिस्पॉन्स भी मैं JSON करूँगा, तो ये PHP का सर्वर भी क्या हो जाएगा फिर ये RESTful सर्वर कहलाएगा। जी दोस्त। सर, RESTful का क्या मतलब? हाँ, RESTful का ये मतलब है पांच क्वालिटीज़ ऐसी होती है, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की कि वो पांच क्वालिटी कौन कौन सी होती है। तो वो पांच क्वालिटीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो वो पांच क्वालिटीज़ जिस भी सर्वर में होगी ना, उसको हम RESTful सर्वर कहते हैं। एक टाइटल है, एक नाम है, ठीक है। जैसे अभी अब जैसे टोयोटा क्रोला है, ठीक है, तो क्रोला का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। क्रोला वैसे फूल के पत्ते को कहते हैं, जो गुलाब का फूल होता है ना, उसकी जो पंखड़ियाँ होती हैं, जो उसमें पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, जिसको छींटते भी हैं, कब्र पे भी डालते हैं जाके, तो वो उस पत्तियों को क्रोला कहते हैं। क्रोला और काइलेक्स आपने पढ़ा होगा वो बायोलॉजी में गालबन, तो उसको कहते हैं क्रोला। तो इन्होंने अपनी गाड़ी का नाम क्रोला रख दिया। तो RESTful का भी मतलब कुछ होता होगा, लेकिन इन्होंने एक टाइटल रख दिया है RESTful। वैसे मैंने भी नहीं देखा कि RESTful स्टैंड फॉर क्या मतलब है RESTful का, यार मुझे भी नहीं पता। अच्छा, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट इंटर ट्रांसफ़र, तो ये एब्रीवेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो हम जो बना रहे हैं इस वक्त, हम स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वर लिख रहे हैं। अच्छा, इस सर्वर का एक तो फ़ायदा डीकपल होने से ये हुआ कि कहीं से भी कॉल कर लो। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब ये है कि इसकी सर्वर की मैं एक कॉपी और भी खड़ी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक कॉपी और खड़ी कर दूँ अगर इस और इन दोनों पर लोड बैलेंसर लगा सकता हूँ। वो हम कवर नहीं कर रहे इस कोर्स में लोड बैलेंसर लगाना, लेकिन हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसर लगा दूँ तो उससे होता क्या है कि अगर इस वाले पे लोड ज़्यादा है ना, तो रिक्वेस्ट फिर यहाँ जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस सर्वर के जितने चाहे मैं नोड्स लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हरिको में भी अगर आप प्राइसिंग देखेंगे ना, अच्छा ये इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो ये जी हट जाएगा क्योंकि अब ये जाग चुका है सर्वर, ठीक है। देखो ये सर्वर अब जाग चुका है, जेड हट गया। वेल, तो इसकी भी प्राइसिंग में जाओगे ना हरिको के, तो वहाँ पे भी लिखा होगा कि आपको एक नोड चाहिए, दो नोड चाहिए, कितने चाहिए। तो आपने बोला मुझे 6 नोड चाहिए, 10 नोड चाहिए, तो आपके ना 10 कॉपी खड़ी कर देगा वो सर्वर की, आपको पता भी नहीं चलने देगा, वो पीछे खुद करेगा सब काम, 10 नोड आपके खड़े कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक नोड में अगर आपकी रैम है 512 MB रैम है और कुछ प्रोसेसर है उसका और कुछ हार्ड ड्राइव है, तो वो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक नोड अगर आपके 4000 यूज़र को संभालता है, तो अगर आपके पास 10 नोड है तो कितने हो गए, 40,000 यूज़र संभालेगा फिर आपके वो। तो ये वाली अप्रोच का ना ये बेनिफिट है, और भी इसके कई सारे बेनिफिट हैं। ये नया आर्किटेक्चर है, रिलेटिवली नया आर्किटेक्चर है ये वाला, जो क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन है और डीकपल होते हैं ये आपस में और REST API का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट ये मर्ज होके ना, ये जो नया वाला आर्किटेक्चर है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये हो गई बात। अच्छा, मेरी स्क्रीन होपफुली शेयर्ड है आप सब लोगों के पास, ओके। अच्छा, किसी और का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास से मुताल्लिक, या कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है? सर, ये जो आपके लेक्चर हैं ये YouTube पर अवेलेबल रहेंगे ना बाद में भी, अगर बाद में भी जरूरत पड़ते हैं तो? RESTful वाला जरा रिपीट कर, क्या रिपीट कर दूं बाबर भाई, क्या रिपीट करने का आपने?
रेस्टफुल वाला थोड़ा सा रिपीट रेस्टफुल वाला बताया ना, थोड़ा सा एक लाइन में रिपीट कर दीजिए। अच्छा रेस्टफुल देख लेते हैं ना हम, जो पांच क्वालिटीज़ है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट, ये रहा यार, फाइव प्रिंसिपल्स लिख देता हूँ। हाँ, वट इज़ रेस्ट, रेस्टफुल API.NET करके कोई है ये? अच्छा तो टोटल पांच है ये, पांच इसकी ना क्वालिटीज़ हैं, वैसे और भी हैं वो, लेकिन पांच अगर आप समझ लें तो आपको ये समझ आ जाएगी बात। यूनिफॉर्म इंटरफेस, अच्छा यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या है कि आपकी जो API होगी ना वो एक जैसी होगी, अलग अलग नाम से नहीं होगी। अच्छा कैसे होगी एक जैसी, आ जाते हैं यहाँ पे, ज़रा एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट कैसे बने, यहाँ पे ना एक नया, मैंने कहा कि 5.RESTful API Principles, सही है ये, मैंने रेस्टफुल API प्रिंसिपल्स बना लिया और इसके अंदर मैंने कहा कि डॉट, एक टेक्स्ट फाइल बना ली मैंने इसमें, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है ना वो क्या होगा, स्लैश गेट की रिक्वेस्ट होगी, ओ सॉरी गेट की रिक्वेस्ट होगी और क्या होगा स्लैश यूज़र, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था ये उसी की एग्जांपल ले लेते हैं हम। रिक्वेस्ट की जो टाइप होगी वो गेट होगी और URL क्या होगा, यूज़र होगा, स्लैश यूज़र, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, टू गेट यूज़र, टू गेट सिंगल यूज़र, सही है। अच्छा फिर उसके बाद गेट यूज़र्स, ठीक है, एस लग गया इसके अंदर, ये नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये REST API के प्रिंसिपल्स हैं, ये समझ में आ गए तो REST API दोबारा इंशाल्लाह कभी मसला नहीं करेगी तुम्हारे, ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कोडिंग तो फिर कहीं से भी सीख लेता है बंदा, कोडिंग का इतना मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो इस पॉइंट पे अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा टू गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है ना पहला प्रिंसिपल वो बता रहा हूँ मैं ये। अच्छा फिर एक तो हो गया सिंगल यूज़र गेट हो गया, एक हो गया सारे यूज़र गेट, देखो एस लगा हुआ है, एस बहुत ज़रूरी चीज़ है, एस लगा हुआ है किसी भी API में, इसका मतलब क्या है कि वो API एक से ज़्यादा डेटा रिटर्न करेगी, एरर रिटर्न करेगी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा पोस्ट, और URL क्या होगा वही यूज़र, ठीक है, URL क्या हो गया हमारा यूज़र ही रहा। अच्छा ये किस चीज़ के लिए होगा, टू क्रिएट सिंगल यूज़र, ठीक है, पोस्ट यूज़र्स, अब एस लग गया इसके अंदर, इसका मतलब क्या है टू, ये वाली API हम कब कॉल करेंगे, टू क्रिएट मल्टीपल यूज़र्स एट, मल्टीपल यूज़र्स बस काफ़ी है। अच्छा अब उसके बाद क्या है पुट यूज़र टू मॉडिफाई सिंगल यूज़र, ठीक है। अच्छा मॉडिफाई मल्टीपल यूज़र मॉडिफाई करना है तो ऐसा लगा देंगे उसके अंदर, आमतौर पे मल्टीपल यूज़र वैसे मॉडिफाई होते नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में होते भी हैं कि आपके पास 50 यूज़र आ रहे थे, आपने सब पे चेक 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 लगा दिया और आपने सबको, जैसे YouTube की वीडियोस में अगर मैं जाऊँ ना, यहाँ पे मैं यहाँ YouTube की वीडियोस में जाता हूँ studio.youtube.com, तो इसमें ना बल्क ऑपरेशन के नाम से एक चीज़ होती है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल एडिट किस किस पॉइंट पे होता है। ये मैं गया कंटेंट्स में, और कंटेंट में जाने के बाद ना मैंने कहा ये वाली वीडियो और ये वाली, ये तीन वीडियो जो है इसको क्या कर दो, ऐड टू अ प्लेलिस्ट, किसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है, या इन तीनों को क्या कर दो, इन तीनों की विजिबिलिटी को चेंज कर दो, ठीक है। विजिबिलिटी गया मैंने कहा अनलिस्टेड कर दो या प्राइवेट कर दो इन दोनों को, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशन देखो मैंने तीनों के साथ किए, तो एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स, चाहे वो यूज़र हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पोस्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली रिसोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो चार रिसोर्स पाँच रिसोर्स मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ से और उसको मैं एक साथ एडिट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं API कॉल करूँगा पुट की,
लेकिन अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं बोलूंगा स्लैश यूजर्स, एस लगा दिया मैंने, टू मॉडिफाई मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, हम डेटा को पुट मल्टीपल में कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सर पोस्ट तो नहीं कर सकते एक साथ मल्टीपल यूजर्स को? नहीं, पोस्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? सर सबका डेटा तो अलग अलग होगा अगर यूजर्स बन रहे हैं तो। नहीं मिसाल नहीं, जैसे वो तो आप उस सूरत में कह रहे हैं ना कि एज अ यूज़र जब आप कर रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ जोहू मेल पे, ठीक है, जोहू का जो ईमेल होता है वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हूँ ना अगर, तो मैं 10 लोगों को ईमेल क्रिएट करके अगर मैं दे रहा हूँ 10 लोगों को, तो मेरे पास ना वह लिस्ट आ जाती है, ऐसे मैं नाम लिखता जाता हूँ, न्यू न्यू क्रिएट करता जाता हूँ, नाम लिखता जाता हूँ, नाम लिख के ना जब एक ही दफ़ा मैं सबमिट मारता हूँ सारे यूज़र क्रिएट हो जाते हैं, समझ रहे हो? अच्छा ये तो यूज़र की बात है ना, लेकिन यूज़र के अलावा बहुत सारी रिसोर्स हैं जो मल्टीपल क्रिएट होती हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर आप मल्टीपल वीडियोस एक साथ अपलोड कर सकते हैं, आप जैसे ही लाके छोड़ेंगे अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, बाद में आप वो एडिट करते रहें वो अलग बात है। इसी तरह हम और भी कोई एक मिसाल लेते हैं, जैसे गिटहब के अंदर मल्टीपल फाइल पोस्ट कर सकता हूँ मैं एक साथ, मल्टीपल फाइल उठा के भेज सकता हूँ, यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है ना github.com पे, github.com पे मैं गया, यहाँ पे फाइल अपलोड का जो ऑप्शन होता है, तो मल्टीपल फाइल में एक साथ भेज सकता हूँ, वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ये रिपॉजिटरीज में गया, किसी भी रिपॉजिटरी में चला जाता हूँ मैं, ये रिपॉजिटरी में चला गया, यहाँ पे ऐड फाइल में ना देखें ये अपलोड का ऑप्शन है, तो इसमें मैं मल्टीपल फाइल, मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, पहले मैंने ये PNG फाइल सेलेक्ट कर ली, ठीक है, मैं एक और सेलेक्ट करूँगा वो भी सेलेक्ट हो जाएगी, ये मैंने कोई दूसरी PNG फाइल, देखो दो हो गई, वे दो नहीं हुई, ये देखो दो हो गई, तीन हो गई बल्कि, अब अच्छा वो कोई ग्लिच आया था, तो तीन हो, तो मैं ये तीन इकट्ठी कर ली मैंने, अब एक दफ़ा कमेंट दबाऊँगा तीनों पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी रिसोर्स आप मल्टीपल टाइम भी आप क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल रिसोर्स भी एक ही झटके में आप पुट कर रहे होते हैं, तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो मैंने कहा डिलीट यूज़र टू डिलीट सिंगल यूज़र, ठीक है, डिलीट यूज़र्स टू डिलीट मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ नोट करना है अभी यहाँ पे, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ जस्ट। अच्छा अब एक चीज़ नोट करना, जब मैं सिंगल यूज़र गेट करूँगा तो मुझे सिंगल यूज़र गेट करते वक्त मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि उस यूज़र की आईडी क्या है, मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि उस यूज़र की आईडी क्या है, तो मैं उस यूज़र की आईडी दूंगा, ठीक है, इस जगह पे मैं यूज़र की आईडी दूंगा। जब मैं ये कॉलन लगा के लिखता हूँ ना, इसका मतलब है यहाँ जो इस जगह पे लिखा हुआ है वो यूज़र की आईडी है। मिसाल के तौर पे मैं गिटहब की एग्जांपल दोबारा देता हूँ, देखो मैं गया github.com/ और ये मेरा नाम आ गया। अब ये जो नाम है ना ये असल में यूज़र आईडी है, इसकी जगह मैं कोई और नाम लिखूंगा तो कोई और खुलेगा, कोई भी मैं खोल लेता हूँ, कोई भी फॉलोअर रैंडमली ओपन कर लेता हूँ। क्वेरी पैरामीटर कहते हैं, क्वेरी पैरामीटर, ये क्वेरी पैरामीटर नहीं है, ये URL पैरामीटर है, सही है। देखो यहाँ पे ना nommy1 आ गया, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ऐसे कॉलन लगा के लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कोई आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जब मैं पोस्ट करता हूँ सिंगल यूज़र, तो ज़ाहिर है बॉडी में वो चला जाता है, लेकिन जब मैं पुट करता हूँ यानी पोस्ट करते हुए, तो मैं न्यू रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे मसला नहीं है, ज़ाहिर है रिसोर्स क्रिएट होगी तो उसकी आईडी क्रिएट होगी, लेकिन पुट करते हुए मुझे क्या ज़रूरत पड़ सकती है कि यार सिंगल यूज़र मॉडिफाई कर रहा हूँ तो वो कौन सा सिंगल यूज़र है, तो मैं यहाँ पे यूज़र की आईडी दूंगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होगा वहाँ वहाँ पे मैं यूज़र की आईडी कैसे इसको प्रोवाइड करूँगा, URL पैरामीटर के ज़रिए इसको प्रोवाइड करूँगा मैं यूज़र की आईडी, ठीक है। सर एक चीज़ कन्फर्म करनी थी आपसे। जी जी सर, हम जब API को मतलब वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमें मतलब डेटा रिस्पॉन्स आता है वहाँ से, वो JSON में आता है। हाँ। और अगर हमें JSON में ना आए तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे JSON? देखें अगर तो सर्वर आप खुद लिख रहे हैं ना, तो आपको पता है कि आपने किस में भेजा है, तो आप जेसन में सर्वर में जाके चेंज कर दें, आपके जेसन में भेजा आपको वो।
सही है, लेकिन सर अगर जैसे मैं कहीं और से जैसे वेदर ए पे हमने उठाई थी हाँ तो उसको मतलब जो रिस्पॉन्स आया था वो हमें जेसन में तो आ रहा था, लेकिन अगर जेसन में ना आ रहा तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? देखो जेसन में नहीं आएगा तो एक्सएमएल में आएगा, जी सर, तो उसको कन्वर्ट कैसे? उसका कन्वर्टर, उसको कन्वर्ट करने की लाइब्रेरीज मौजूद हैं, ठीक है? अगर नहीं भी मौजूद है लाइब्रेरीज तो आप स्ट्रिंग है ना, वो एक्चुअली स्ट्रिंग आता है, एक्सएमएल पूरा स्ट्रिंग होता है, ठीक है? जेसन भी एक्चुअली स्ट्रिंग ही होता है, तो आप स्ट्रिंग से ना उसको स्प्लाइस वगैरह करके उसको अलग कर सकते हैं आप डेटा को। वैसे तो लाइब्रेरीज मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मौजूद हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो लेकिन अगर जस्ट इन केस लाइब्रेरी जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था, वो मतलब आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर वगैरह करके ना हेडर्स में जाके वहां से वो गेट कर रहे थे फिलहाल से ना, जैसे उसका हेडर नाम का वो बना दिया पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन लिख के कर रहे थे तो वो नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, जेसन नहीं में देखो असल में बात पता ही क्या है, वो सर्वर किसी और का जब आप कॉल करते हो ना, सर्वर जब आप किसी और का कॉल करते हो तो फिर आपको ना सम टाइम लोग ना ये ऑप्शन रखते हैं, जैसे वेदर एपीआई ना, वेदर एपीआई की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि वेदर एपीआई क्या करता है कि आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अगर उसको जेसन में रिस्पॉन्स चाहिए तो आप एपीआई कॉल करते हुए ना बता दो कि भाई मुझे जेसन में रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको वो जेसन में दे देगा। अगर एपीआई कॉल करते हुए आपको एक्सएमएल में चाहिए तो आप बता दो, एक कोई एक इसमें से डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है? तो ये आपको, लेकिन ये जैसे वीडियो में बताया ना कि ऐसे करो, ऐसा नहीं होगा कि हर एपीआई में आप उस तरह करेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हर एपीआई में उनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ होगा कि डिफ़ॉल्ट पे ये रिस्पॉन्स कौन से फॉर्मेट में देता है और आया कि कोई और फॉर्मेट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? जेसन इज़ द मोस्ट कॉमन, तो ज़्यादातर एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट जेसन रिस्पॉन्स देती है आपको, ठीक है? और एक्सएमएल वगैरह भी कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा यार अगर एक्सएमएल चाहिए आपको तो ये पैरामीटर डाल के भेजो फला तरीके से, आपको एक्सएमएल मिल जाएगा, लेकिन ये एपीआई के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा, ठीक है? ये आप फिक्स नहीं कर सकते पहले से कि यार ऐसा करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स समझ में आ गई। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बनाते कैसे हैं, गेट सही है, उसके बाद यूआरएल क्या रखते हैं, यूआरएल रखते हैं गेट यूज़र, गेट डैश यूज़र, ठीक है? ये तरीका गलत है। या पोस्ट में क्या करते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और क्या करते हैं कि क्रिएट यूज़र करके बना दिया ऐसे, ठीक है? तो ये गेट करने वाला जो यूआरएल है और ये पोस्ट करने वाला जो यूआरएल है ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा अलग अलग भी आप रखेंगे ना तो होगा कुछ भी नहीं, कोड आपका बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है? कोड आपका मसला नहीं करेगा, कोड आपका सही चलेगा, लेकिन ये रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल्स की आपने पहला प्रिंसिपल जो था ना यूनिफॉर्म रिसोर्स की खिलाफ वर्जी कर दी आपने, ठीक है? ये गलत कर दिया आपने, तो ये नहीं करना है कभी भी, ठीक है? डोंट डू दीज। उसकी वजह क्या है, गेट में अगर स्लैश गेट यूजर कर रहे हैं तो ये समझ में आने वाला है, हमने इसको लिंक दिया है स्लैश के बाद कि गेट यूजर हो रहा है, या पोस्ट में क्रिएट डैश यूजर हो रहा है कि क्रिएट हो रहा है यहाँ से। असल में मसला है डॉक्यूमेंटेशन का है, जो इसको इस्तेमाल करने वाला बंदा है ना उसका मसला है। देखो असल में ये वाला अगर तरीका आपने किया हुआ है तो ये सेल्फ डॉक्यूमेंटेड है भाई, ये तो देखो ना ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा, ये सेल्फ डॉक्यूमेंटेड है असल में, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दूसरा ये कि ये कन्वेंशन है, लोगों ने आपस में डिसाइड किया हुआ है, एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि सब लोग इसको फॉलो करेंगे। भाई अगर रोड पे आप लोगों ने आपस में डिसाइड किया हुआ है ना ये कि रोड पे हर बंदा अपने लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चलाएगा पाकिस्तान के रूल के मुताबिक, तो अब लेफ्ट हैंड पे चलाने से क्या होगा भाई? अगर चलो माना कि वही चालान कर देते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वाले नहीं हैं तो आप दूसरे साइड पे चलाओ, लेकिन उससे होगा ये इनकन्वीनियंस होगा। आप अगर सुनसान रोड पे भी हैं और सामने से कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है तो उसको पता है कि उसको अपने लेफ्ट हैंड पे रहना है और आपको आपके लेफ्ट हैंड पे रहना है, तो इससे कन्वीनियंस होता है, ठीक है? तो ये असल में सिर्फ इस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। आप अगर ये भी कर देंगे ना तो कोई मसला नहीं है, कोड आपका सही चलेगा, लेकिन जो फ्रंट एंड का बंदा है ना जिसको आप ये एपीआई देंगे आप, वो आपको गालियाँ देगा कि यार ये क्या वाहियात चीज़ लिख के दे दी है, ठीक है? अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप वेदर एपीआई बना के बेच रहे हैं आप, और आपने ये इस तरह की कोई चीज़ कर दी तो लोग आपकी एपीआई को यूज़ नहीं करेंगे, फिर कहेंगे यार क्या वाहियात चीज़ बनाई है ये, समझ रहे हो? तो कन्वीनियंस का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम मीनिंगफुल रखते हैं, उसमें हम कोई ऐसा वो नहीं रखते, मतलब मैं उससे बहस करके देखता हूँ, ये भी एक तरह से हम स्लैश करके एक वेरिएबल की तरह कर रहे हैं कि हम मीनिंगफुल चीज़ दे रहे हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल मीनिंगफुल रखते हैं।
तो ये दो चीज़ें मैं ज़रा कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्यों? रिक्वेस्ट की टाइप है गेट। गेट हमेशा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? कुछ आप सर्वर से मंगवा रहे होते हैं, कुछ सर्वर से आप मांग रहे होते हैं, तो गेट इस्तेमाल होता है, सही है। तो इसका मतलब है कि कुछ गेट हो रहा है सर्वर से। फिर आपने लिखा यूज़र, बगैर एस के लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक यूज़र चाहिए आपको, सही है। उसके बाद आईडी भी लिखी हुई है, तो ये तो ज़्यादा मीनिंगफुल हुआ ना। अच्छा ये जो है ना, ये ऑन अदर एंड ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। गेट यूज़र आपने लिखा हुआ तो है, और गेट की एपीआई भी है, तो गेट तो डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ भी गेट आ रहा है, यहाँ भी गेट आ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है ना ये तो। फिर गेट यूज़र अगर आपको पता चल गया तो पोस्ट, पोस्ट भी इसी नाम से होना चाहिए ना, तो ज़्यादा मेक सेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर गेट यूज़र इस तरीके से आपने किया हुआ है, तो पोस्ट अगर बंदे को नहीं भी पता है ना, तो तुक्के में भी पोस्ट कॉल करेगा तो उसको चीज़ें सारी सेम होंगी, उसके अंदर पैरामीटर के नाम सेम होंगे, तो वो उसका चल जाएगा, मसला नहीं होगा कोई। वैसे तो असूलन डॉक्यूमेंट देख के कॉल करना चाहिए, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स में इस वजह से आसानी है। वेल, अगर कोई बंदा नहीं इसको फॉलो करना चाहता तो वो ना करे, उसका कोड चलेगा, कोड में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर वो अपने अपनी जो सर्वर है ना, जो अपनी एपीआई, उसको वो रेस्ट एपीआई नहीं बोल सकता। फिर रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल्स पे वो पूरा नहीं करता, ठीक है। वो एपीआई ज़रूर है, वो सर्वर ज़रूर है, लेकिन वो रेस्टफुल सर्वर नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, क्लाइंट सर्वर नंबर दो बात, ठीक है। ये पहला रूल तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, पहला रूल हमने ये सिर्फ अभी यूज़र का पढ़ा है ना, जैसे अभी पोस्ट का बना लेते हैं। अब इसी को डुप्लीकेट मारूंगा ना मैं, सही है, इसी को डुप्लीकेट मार के ना, जहाँ जहाँ यूज़र लिखा हुआ है इसको मैं क्या बना दूंगा, पोस्ट, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर क्या मसला बचा? बिल्कुल ओके हो गया ये, कैसा डुप्लीकेट हुआ दो मिनट के अंदर, कि गेट पोस्ट और पोस्ट आईडी साथ में होगी। ये किस लिए इस्तेमाल होगा? टू गेट सिंगल पोस्ट, गेट पोस्ट, गेट मल्टीपल पोस्ट्स या ऑल पोस्ट, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे आप पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? सिंगल पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप ये एपीआई कॉल करेंगे, सही है। मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करने के लिए ये एपीआई कॉल करेंगे। पुट, एक पोस्ट को आपने एडिट करना है तो आप ये कॉल करेंगे, ठीक है। तमाम को आपने एडिट करना है तो आप ये वाला करेंगे, ठीक है। डिलीट, डिलीट, सर ये सब सेम होगा, ये यूनिफॉर्म यूआरएल एक जैसे होंगे सबके, सिर्फ ये गेट चेंज हो रहा होगा, पोस्ट चेंज हो रहा होगा, या किसी में एस लग जाएगा, किसी में एस नहीं लगेगा, ये इस तरह करके बनेगा। ये इसका प्रॉपर तरीका है बनाने का, कोई नहीं फॉलो करना चाहता ना करे, ठीक है, कोड चलेगा फिर भी उसका। लेकिन फिर क्या होगा कि जो यूज़ करने वाला है उसके लिए, अब देखो ना, ये सिर्फ यूज़र की बनी है और पोस्ट की एपीआई बनी है। अब यूज़र और पोस्ट के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है। एक सोशल मीडिया ऐप में क्या होता है, एक सोशल मीडिया ऐप के अंदर यूज़र की सारी एपीआई होती है, कि यूज़र क्रिएट होगा, साइनअप होगा, अब फिर आपका जो है ना वो अपनी प्रोफाइल अपडेट करेगा, प्रोफाइल, तो वो सब इसके अंदर आ गया, ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ गया। फिर वो पोस्ट वगैरह करेगा, ठीक है। फिर ग्रुप्स का होगा ना, उसमें ग्रुप्स होंगे, फिर ग्रुप भी में भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ग्रुप बनाएगा फिर वो। ठीक है, ग्रुप के लिए भी ये एपीआई बना लेते हैं, ये ग्रुप के लिए बन गया। ठीक है, ये ग्रुप्स के लिए बन गया। गेट ग्रुप और ग्रुप आईडी, ये सिंगल ग्रुप को गेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर इसी तरह पोस्ट, एक सिंगल ग्रुप को क्रिएट करने के लिए ये वाली एपीआई इस्तेमाल होगी, एक सिंगल ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट होते हैं ना, फिर पेजेस का होगा, यही सारी चीज़ पेजेस की होगी। तो यू आर गोना एंड अप विद हंड्रेड्स ऑफ एपीआईज, हंड्रेड्स ऑफ एपीआईज आप इस तरह की बनाएंगे। तो अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आखिर में आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आपने क्या बना दिया, कहाँ पे क्या बनाया, कोई समझ में नहीं आएगा फिर, सही है। तो ये जो रूल लोगों ने बनाया है, तो कुछ सोच समझ के बनाया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको फॉलो करें, ये आपने नहीं करना ये वाला काम। अच्छा, एक तो ये हो गया यूनिफॉर्म यूआरएल हमारा, सॉरी सर, पेजेस का भी कुछ होता है? हाँ, पेजेस का भी, जाहिर है पेजेस भी क्रिएट होते हैं, एडिट होते हैं, डिलीट होते हैं पेजेस। हेलो जी, ठीक है सर। जी जी बाबर भाई, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है बाबर भाई।
हेलो बाबर भाई, आप कुछ कह रहे थे। बाबर भाई की आवाज़ आना बंद हो गई है भाई। बाबर भाई ज़रा टाइप कर दें आप, ग्रुप ग्रुप लिखा है बाबर भाई ने। ओके अच्छा, तो हम अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला प्रिंसिपल क्या है? अगला प्रिंसिपल है क्लाइंट सर्वर। तो ये कहते हैं कि द क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन पैटर्न इन्फोर्स द सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग कर दें, कंसर्न भी उनके अलग अलग हों, अलग अलग लोग उसको देख रहे होंगे। फ्रंट एंड को, यानी क्लाइंट जो है फ्रंट एंड को कहा जा रहा है। क्लाइंट मोबाइल ऐप भी हो सकती है, क्लाइंट आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, क्लाइंट आपकी HTML की बनी हुई वेबसाइट भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है क्लाइंट। एक रसबरी पाई की डिवाइस भी हो सकती है, एक माइक्रो कंट्रोलर IoT की डिवाइस भी हो सकती है कोई। अच्छा, विच हेल्प्स द क्लाइंट एंड द सर्वर कंपोनेंट्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। सर्वर को अलग बंदा अपडेट कर रहा होगा और क्लाइंट को अलग बंदा अपडेट कर रहा होगा। ठीक है, और आपस में एक सर्वर वाले ने जो API लिखी है, सर्वर वाला क्या करेगा, ऐसा डॉक्यूमेंट बना के ना भेज देगा फ्रंट एंड वाले को। ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट बना के भेज देगा। सही है, फ्रंट एंड वाला उसको अपडेट करता रहेगा अपने फ्रंट एंड को, और ये API कॉल करेगा, उसको पता है यार API इस तरह से कॉल होती है। सर ये समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया इसमें बताओ। क्लाइंट क्लाइंट अगर किसको भेजेगा, क्लाइंट सर्वर? देखो मेरी ड्राइंग में आ जाते हैं ना वापस। देखो, एक तो था ये PHP वाला तरीका, ये कपल्ड है ये। सही है, सर्वर और क्लाइंट इसमें कपल्ड है, ये डीकपल्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो, ये हम कर ही नहीं रहे, हम ये कर रहे हैं नया वाला। इसमें मेरा क्लाइंट जो है वो ये है। ठीक है, क्लाइंट पे HTML पहले से मौजूद है, जो GitHub पेजेस से आ गया है वो। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, ये सर्वर है, ये किसी और बंदे ने लिखा है। ठीक है, सर्वर किसी और बंदे ने लिखा है, आपने नहीं लिखा। मैं मिसाल देता हूँ, आप ये कर चुके हैं पहले। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें, ये वेदर API है, तो ये वेदर API का सर्वर आपने तो नहीं लिखा ना, जो हम यूज़ किया था हमने थोड़े दिनों पहले, एक ओपन वेदर API जो हमने यूज़ की थी, तो ये वेदर का सर्वर आपने तो नहीं लिखा ना, ये किसी और ने लिखा है, और वो उसको अपडेट भी कर रहा है कंटिन्यूसली। आपको उसने क्या दे दिया, आपको उसने डॉक्यूमेंट दे दिया एक इस तरह का कि भाई गेट वेदर लिखो और उसके आगे सिटी लिख दो, आपको वेदर मिल जाएगा, ख़त्म बात। ऐसा ही है ना, तो ये इमेजिन अगर करो किसी और का सर्वर है, तो ये काम हम कर चुके हैं कि क्लाइंट आप बना रहे हैं, आप अपडेट कर रहे हैं, सर्वर ये API बना के दे दी पूरी। उन्होंने API बना के दे दी। वो अब API चलेगी, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो API को कैसे ऑन करके रखते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कोई API में प्रॉब्लम आ गई उसको फिक्स करते हैं, नए फीचर्स उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, वो उनका मसला, आपका मसला नहीं है। आपको API कॉल करनी है और आपको वो डॉक्यूमेंट बना के दे चुके हैं कि भाई ऐसी है हमारी API, गेट की रिक्वेस्ट होगी और URL उसका होगा करंट वेदर गालबन था उसका, और उसके आगे आप स्लैश लगा के सिटी का नाम देंगे। ठीक है, यही API आप मोबाइल ऐप से भी कॉल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप अगर आप बना रहे हैं फ्लटर की या रिएक्ट नेटिव की, तो आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं यही API, और आप ये रसबरी पाई की डिवाइस से भी कॉल कर सकते हैं कि रसबरी पाई की डिवाइस पे ना आपने छोटी सी एक LCD लगा दी और आप कहते हैं कि यार हर 5 मिनट पे ना जाओ वेदर की API कॉल करो, और जो भी वेदर आता है वो LCD पे दिखा दो। आपने अपने घर में कोने पे कहीं पे वो चपका दिया है। सर ये रसबेरी पाई क्या है? रसबेरी पाई एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, चीज के लिए काम आता है ये IoT डिवाइसेस बनाने के काम आता है, IoT की डिवाइस है असल में ये। सही है, ये छोटा सा है रसबेरी पाई विथ LCD। सही है, ये देख रहे हो छोटा सा कंप्यूटर है ये, बिल्कुल चुन्ना सा। इस पे ये देखो इस तरह की LCD भी लगा सकते हैं इस पे, अच्छा सर। ये देख रहे हो, ये छोटा सा कंप्यूटर है, इसके अंदर रेस्पियन लिनक्स इंस्टॉल हो जाती है। तो ये अब अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये मेरे पास ये पड़ा हुआ भी है मेरे पास, मैं दोनों दोनों चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर भी दिखा देता हूँ और रसबरी पाई भी दिखा देता हूँ। ये रसबरी पाई है, वॉलपेपर आपको छुपा रहा है, ये देखा, ये रसबरी पाई है, छोटा सा कंप्यूटर है ये इसमें USB पोर्ट्स हैं सारे, ये इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे इसमें हेडफोन जैक लगता है, ये HDMI है, ये सब कुछ है इसके अंदर। यहाँ पे इसमें मेमोरी कार्ड भी लग जाता है, इसकी भी जगह है।
ये जो बड़े सीपीयू होते थे ना, ये अब उसकी जगह ये आ चुका है, ये एक मुकम्मल सीपीयू है, इसमें विंडोज़ भी इंस्टॉल हो सकती है बाय द वे, ठीक है। लेकिन इसमें पावर बहुत ही कम होती है, तो ज़ाहिर है आप इसको एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसमें कंप्यूटिंग पावर बहुत ही कम होती है। और ये है माइक्रो कंट्रोलर, ये मैंने इसको लकड़ी पे लगाया हुआ है, ये जो चिप है ना ब्लैक वाली, ये दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, ये इसको कहते हैं ESP8266, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के एम्बेड कर सकते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर है एक्चुअली, ठीक है। इस जावास्क्रिप्ट में तो नहीं हो सकती, इसकी प्रोग्रामिंग ज़्यादातर सी में और आर्डुइनो में होती है, और अब रस्ट में भी होना शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में। और इसमें ये रिले वगैरह लगा हुआ है, इसमें आप कंडीशन लगा देते हैं, जैसे ये वेदर का, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पकड़ लेता है, पकड़ के इसको देता है चिप को। देखो तार से इसको कनेक्ट किया हुआ है मैंने इस कंट्रोलर के साथ, तो ये मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा था उसके लिए मैंने किया था, ये मैंने अभी निकाल के रखा है, किसी को दोस्त ने मांगा है उसको देने के लिए। तो ये टेम्परेचर लेता है वेदर का, ये सेंसर है, और ये सेंसर का डेटा कहाँ ला के देता है, इस डिवाइस को देता है, इस एम्बेडेड कंप्यूटर को। और अगर टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है तो ये रिले को ऑन कर देता है, इस रिले के में पंखा लगा हुआ हो सकता है, एसी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ कि टेम्परेचर इतने से ज़्यादा हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली पंखा ऑन हो जाए, इतने से कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली पंखा ऑफ हो जाए, ठीक है। और जब भी पंखा ऑन ऑफ होगा तो ये बज़र लगा हुआ है, ये बीप करेगा कि बीप ऑन हो गया, बीप ऑफ हो गया। तो ये इस कंप्यूटर से भी मैं उस सर्वर को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाईफाई वाली चिप है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये, इसमें ना छोटा सा वाईफाई लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं दिख रहा हो या नहीं, यहाँ पे छोटा सा, बल्कि इसको मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ, 82 इसमें ESP32 लिखूँगा तो आ जाएगा ESP32। अरे आपने बनाया ये? नहीं, चिप तो मैंने नहीं बनाई, चिप तो, लेकिन वो छोटा सा प्रोजेक्ट कोई कर रहा था मैं, एक्सपेरिमेंट्स ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट ही तो है ना। ये है वो चिप, ये इसका डायग्राम आ गया, ये देख रहे हो वाईफाई भी है इसके अंदर। तो ये असल में इसको इंटरनेट का एक्सेस होता है। अगर मैं ये करूँ ना कि मैं इसको बोल दूँ कि हर 5 मिनट पे क्या करो तुम, ये मेरा मिसाल के तौर पे ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ये एक टेम्परेचर का सेंसर लगाने के बजाय मैंने कहा इंटरनेट से गेट करो भाई, वाईफाई से कनेक्टेड हो, अच्छा। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ़ैन इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने कहा भाई ये फ़ैन ऑन कर देना। तो जब ये वेदर API कॉल करेगा, जब इसने देखा कि टेम्परेचर अगर 25 से ज़्यादा है तो फ़ैन को ऑन कर दे, ठीक है, 25 से कम है तो फ़ैन को ऑफ़ कर दे, ठीक है। तो मैं इस माइक्रो कंट्रोलर से, इस ESP8266 या ESP32 से, जो चिप है, छोटी सी चिप है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, वहाँ से भी मैं सर्वर को कॉल कर सकता हूँ जो हरिको पर डिप्लॉय हुआ है, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। एक और भी मैं काम कर सकता हूँ, जैसे पिछले दिनों किसी दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर वो जो वेदर API में जो सर्वर था वो तो हमें अप टू डेट डाटा देता था, लेकिन हम अपना जब सर्वर लिखेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे अप टू डेट डाटा, हमें तो नहीं पता कि वेदर कहाँ पर क्या है। तो ये वेदर स्टेशन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है मेरा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक तो गेट वेदर है ना, एक है पोस्ट वेदर। मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर जो पड़ा हुआ है, मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर एक छोटी सी लॉजिक लिखी, मैंने कहा कि ये जो टेम्परेचर सेंसर मेरे पास है ना, मैंने एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया और मेरे रूम का टेम्परेचर ये इसको पता चल रहा है। मैंने कहा कि हर 1 मिनट पे मेरे रूम में जो भी टेम्परेचर है वो उठा के कहाँ भेज दो, यहाँ पे भेज दो सर्वर पे, ठीक है, और कोई भी गेट करे तो उसको वेदर दे दो, कराची का वेदर स्टेशन तैयार हो गया। तो इस तरह का जो, इस तरह की जो डिवाइस होती है ना, जो आपके एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को कलेक्ट करके और सर्वर पे भेज रही होती है, इस तरह की डिवाइसेस को हम वेदर स्टेशन कहते हैं। सही है, वेदर स्टेशन किसी ने देखा है कैसा होता है? ये तो हो गया ना सेल्फ मेड, मतलब क्या डाया वेदर स्टेशन, कि मैंने अपनी चिप से, नहीं सर नहीं देखा, ये बने बनाए भी मिलते हैं ना वेदर स्टेशन में, आपको दिखाता हूँ क्या है, पोर्टेबल वेदर स्टेशन, ये इस तरह का होता है। देखो इसमें विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, बारिश कितनी हुई है, धूप की रेडिएशन कितनी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब चीज़ें ये मेजर कर रहा होता है। और सब चीज़ें मेजर करके ना ये इसके अंदर, इसके ये जो देख रहे हो ये वाला डब्बा, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, इसको उठा के ना इस डेटा को सर्वर पे अपलोड कर रहा होता है, ठीक है। देखो कुछ इस तरह का होता है,
ये महकमे मौसमियात वालों के पास भी लगा हुआ है, हर शहर में एक ये गवर्नमेंट ने लगाया हुआ होता है, ठीक है। और ये देखो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं पोर्टेबल इसमें से वर्ड हटा दूँ तो फिर काफ़ी बड़े बड़े भी दिखेंगे। वेदर स्टेशन, ये देख रहे हो, ये इतने बड़े बड़े भी होते हैं वेदर स्टेशन। ये जो पूरा गुंबद है ना, ये असल में एक वेदर स्टेशन है। ये तुमने देखा होगा सुपारको जब जाओगे ना तो वहाँ पे भी लगा हुआ है। ये देखो ये वेदर स्टेशन है, एक बड़ा सा ऊपर गुंबद लगा हुआ है, उसके अंदर ये सेटिंग है सारी। ये क्या करता है, वेदर का करंट डेटा जो है ना, रियल डेटा, वो कलेक्ट कर रहा होता है यहाँ से, और कलेक्ट करके सर्वर पे भेज रहा होता है फटाफट। ये देख रहे हो, ये सारा वेदर स्टेशन है। तो खैर हम जो बनाने, हमने जो अभी इमेजिन किया है, सॉरी सैटेलाइट से तो इमेज उठा सकते हैं ना, वेदर का डेटा तो नहीं उठा सकते। सैटेलाइट से तो इमेज उठाते हैं, इमेज से पता ही, मतलब जैसे जो रडार वगैरह होता है। नहीं नहीं, अभी टेम्परेचर सैटेलाइट से पता लगाने का कोई तरीका नहीं है भाई, कैसे पता लगेगा टेम्परेचर? तो ग्राउंड पे डेटा, ग्राउंड पे प्रोब होना चाहिए ना आपके, उससे पता चलता है। ये जितने भी वो है ना आपके ये जो वेदर चैनल वाले हैं, याहू वेदर है, गूगल वेदर है, ये कहीं ना कहीं से इनके पास आ रहा होता है। बाय द वे, ये आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। आप अगर अपना वेदर स्टेशन ये ख़रीद लेना, जैसे अगर मैं जाके गूगल पे लिखता हूँ वेदर, वेदर डॉट, ये तो कुछ और, इससे क्या पैसे कमाएंगे? मैंने गूगल के वेदर वहाँ स्टेटस पे लगा दिया था, तो लोग बारिश का पूछे जा रहे थे, बारिश क्यों नहीं हो रही, तो फिर मैंने हटा दिया यार बाप रे। ये जो गूगल वेदर लाता है ना, ये वाला, ये देख रहे हो कहाँ से लाता है, ये लाता है वेदर डॉट कॉम से। अब वेदर डॉट कॉम पे जब मैं जाऊँगा ना, तो देखते हैं ये वेदर डॉट कॉम क्या है। मतलब अगर मेरे पास मेरा वेदर स्टेशन मैंने ख़रीद लिया है या बना लिया है ख़ुद से, जो भी किया है, तो मैं अपने वेदर स्टेशन को ना इनके एक सर्वर से कनेक्ट भी कर सकता हूँ, कि मेरे घर के छत पे लगा हुआ होगा वो वेदर स्टेशन, और वो इनको वेदर का डेटा भेज रहा होगा मेरे घर से लाइव, कराची का इस लोकेशन का डेटा लाइव भेज रहा होगा। बारिश होगी तो लाइव इनको पता चलेगा कि हाँ यार बात यहाँ पे। और इनके पास हज़ारों इस तरह के वेदर स्टेशन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से ये डेटा ला के आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, और ये डेटा सेल करते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे वेदर की API चलानी है, तो मुझे पैसे दे रहा हूँ ना मैं, तो इसको बगैर पैसों के थोड़ी देगा मुझे फ्री में ये। तो ये सारा डेटा जो है ना, ये वहीं से आ रहा होता है, ये रियल लाइफ का डेटा होता है। रेसबरी पाई मेरे पास भी रखा है, यूज़ कर सकते हैं इस वेब डेवलपमेंट में कहीं पे उसको? नहीं, वेब डेवलपमेंट में तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, वो IoT है, वो दूसरी फील्ड है। सर रेसबरी पाई का यूज़ क्या है ये ज़रा बता दें थोड़ा सा। यार रेसबरी पाई का यूज़ जहाँ पे छोटे स्केल के कंप्यूटर चाहिए होते हैं ना आपको, वहाँ पे आपको ये चाहिए होता है इस तरह का। मिसाल के तौर पे जैसे वेदर स्टेशन का मैंने जिक्र किया, तो मैं वेदर स्टेशन के लिए अगर पूरा CPU खरीदूँगा ना, तो पूरा CPU एक तो मुझे महंगा पड़ेगा, ठीक है, पूरा CPU शायद 10-12 हज़ार का पड़ेगा, ये है 3-4 हज़ार का, छोटा है। फिर जाहिर है इसकी पावर कंजम्पशन कम है, कि इसकी रिसोर्सेज भी कम है, पावर कंजम्पशन भी कम है, और ये कहीं कोने में लगा हुआ होगा, चलता रहेगा अपना मज़े से। इसको वज़न भी ज़्यादा नहीं है इसका, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, AC वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब इमेजिन करें, जैसे मैं एक आपको यूज़ केस बताता हूँ, इमेजिन करें कि मेरे पास एक बस है, जैसे अभी बस चली है ना जो कराची में नई वाली, और लाहौर वगैरह में भी चली है बस, जो नई मेट्रो चली है। अब उस मेट्रो की एक एप्लीकेशन बनानी है मुझे, उस मेट्रो की एप्लीकेशन मुझे बनानी है, और उसके एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या चाहिए कि कौन सी बस इस वक्त कहाँ है रियल टाइम में, वो मुझे देखना है। अब वो मैं कैसे देखूँगा? वो देखने के लिए मुझे बस के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी, जो ऐसी डिवाइस होगी बस के अंदर जो एक तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गेट करे कि बस इस वक्त कहाँ है, GPS का डेटा, और सर्वर पे भी भेजे, ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका ये होगा कि मैं ड्राइवर की मोबाइल ऐप में ये सेटिंग कर दूँ कि ड्राइवर जहाँ पे है वो क्या करे, वो वहाँ का डेटा भेजे, लेकिन मसला ये है ड्राइवर घर चला जाएगा तो भी डेटा आता रहेगा, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब है कि ड्राइवर के मोबाइल में शायद मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मुझे बस के अंदर कोई ऐसी सेटिंग करनी होगी। तो बस के अंदर मेरे पास एक पॉसिबल तरीका ये है कि मैं रसबरी पाई लगा दूं, और रसबरी पाई में एक सॉफ्टवेयर लिख दूं, और उसको ज़ाहिर है इंटरनेट का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं से चाहिए होगा, तो बस में होता है आमतौर पे वाईफाई लगा हुआ होता है, और वो मेरे को वहाँ से डेटा जो है ना भेजता रहे कि भाई अभी मैं यहाँ पहुँच गया, अभी मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब ज़ाहिर है उस बस के अंदर अगर मैं बड़ा CPU लगाता हूँ, तो मेरे लिए शायद वो इतना वायबल नहीं होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ज़्यादा, फिर ज़ाहिर है बड़ा है तो उसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, वो एम्बेडेड पर्पसेस के लिए बना हुआ ही नहीं है, वो पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए बना हुआ है, उसमें क्वाड कोर CPU लगे हुए हैं, उसके अंदर 8 GB RAM लगी हुई है, तो वो तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है ना इतना। मेरे पास तो अगर
1 GB भी रैम हो ना तो भी मेरे लिए मोर देन इनफ है, जो कि इसके अंदर ना 1 GB रैम है जो ये मेरे पास जो है, ठीक है, ये थोड़ा पुराना वाला है रसबरी पाई 3 है ये, इसमें 1 GB रैम है, मोर देन इनफ है इस तरह के कामों के लिए, तो ये इसका एक यूज़ केस है, ठीक है। तो इस तरह एम्बेडेड जैसे अभी आप देखें एज कंप्यूटिंग, यही है एज कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये। जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी के अंदर जो मिरर है ना, आजकल रिट्रैक्टेबल मिरर आते हैं जो, अब उस मिरर के अंदर भी मुझे एक छोटा सा कंप्यूटर चाहिए, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आजकल वो नए वाले जो टेस्ला है ना उसमें वो कैमरा लगा होता है मिरर के साथ, वो कैमरे का फीड लेके ना मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाए, अब उसके लिए कंप्यूटर तो चाहिए ना, बगैर चिप के तो ये काम नहीं हो सकता, वो जो फीड को प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ पे ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स वहाँ पे काम आते हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड कंप्यूटर वहाँ पे काम आते हैं जी। सर जैसे जैसे हमने वेदर स्टेशन हमने अपने घर में लगा लिया, तो वो तो अगर वो हमारे एरिया में बारिश हो रही है और किसी और एरिया में नहीं हो रही, तो वो हमें कैसे, हमें तो अपने एरिया का बताएगा ना कि हमारे एरिया में बारिश हो रही है, तो हमें तो पूरे कराची का बताने, तो वो कैसे होगा? नहीं, अभी जो अगर हम अपना बनाते हैं ना अभी ये वाला मेरी ड्राइंग के मुताबिक, तो वो सिर्फ जी सर ज़ाहिर है जहाँ से डेटा मिल रहा है वहीं का ही बताएगा, वो हर जगह का पूरे कराची का तो नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि weather.com वाले जो हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में लोग इन्होंने भर्ती किए हैं अपने पास, और आप भी अपना वेदर स्टेशन इनके पास लगा सकते हैं। वो कुछ ब्रांड्स होते हैं, वो कहते हैं भाई फला ब्रांड का ही वेदर स्टेशन हमें चाहिए, उसके अलावा नहीं चलेगा, तो वो आप उस ब्रांड का वेदर स्टेशन खरीदते हैं, अपनी छत पर आप लगा देते हैं, उसको इंटरनेट कनेक्शन दे देते हैं, बस यहाँ से वेदर उठता है जाता रहता है, और दुनिया में हज़ारों लाखों वो उस तरह के लोग इनरोल हुए हैं जो इनको डेटा दे रहे होते हैं, अपने घर घर से उठा उठा के डेटा दे रहे होते हैं, तो इनके पास पूरी दुनिया का डेटा है, लेकिन आप जो बनाएंगे ना अपना सर्वर और अपना डिवाइस, उसमें सिर्फ आपके घर का ही डेटा होगा। अच्छा, अगर ये काम कर लें कि एक सर्वर बनाएं आप, और जितने स्टूडेंट इस क्लास में मौजूद हैं वो सब अपने अपने घर पर सेंसर लगा लें, और वो सब एक डेटा बेस में अपना डेटा भेजें, तो शायद हमारे पास पूरे कराची का डेटा आ जाए, ये सही है। लेकिन जाहिर है आप सब लोगों के पास ये रसबरी पाए नहीं है ना, सब लोगों के पास ये सेंसर नहीं है अवेलेबल, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा। इससे कमाएंगे कैसे? हाँ, इससे कमाएंगे कैसे कि वो एपीआई आप बेचेंगे, खरीदेगा कौन? हाँ, ये भी अब सवाल है, खरीदेगा कौन? ओपन वेदर एपीआई वालों से जो खरीद रहा है वही खरीदेगा, weather.com वालों से जो खरीद रहा है वही खरीदेगा, अब उनसे कौन खरीद रहा है ये पूरा एक बड़ा बिजनेस मॉडल है, इसके लिए आपको थोड़ी सी एमबीए भी चाहिए होगी, ठीक है, थोड़ी सी थोड़ी सी बिजनेस स्किल भी आपको चाहिए होगी अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। अगर तो आपको अपना वेदर स्टेशन खरीद के उनके पास इनरोल करना है, तो वो आपको कुछ डॉलर महीने के, शायद $5-10 या $20 कुछ आपके वो फिक्स कर देंगे कि जब तक ये आपका कनेक्ट है ना आपको $5-10 मिलते रहेंगे, तो बस वो तो फिर लगी बंदी एक चीज़ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने देते हैं वो, लेकिन कुछ देते हैं पैसे वो, ये करना पड़े। हाँ नहीं, लोग करते हैं, लोग बड़े एंथुसियास्ट होते हैं। रसबरी पाई पे जो है वेब सर्वर बना सकते हैं अपना, मतलब वेबसाइट होस्ट कर दे, वो सर्वर के तौर पे चलता रहे रसबरी पाई पे। जी सर जी, बना तो सकते हैं, लेकिन रसबरी पाई असल में बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रसबरी पाई जो है ना, अगर इस पे मैंने नॉट जी एस का सर्वर अगर मैंने चला दिया इस रसबरी पाई पे, तो ये शायद ही कोई 100 यूज़र संभाल पाए, 100 यूज़र के बाद बोलेगा बस हो गई मेरी, ठीक है ना। हरिको पे फ्री में जो मिलता है ऑन अदर एंड, वो 500 यूज़र संभाल लेता है हमारा, या 1000 यूज़र भी सम केसेस में संभाल लेता है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि सर्वर को रन करने के लिए कोई अच्छा आइडिया है। हाँ, लेकिन ऐसा सर्वर जिसमें आपको पता है कि एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, आपको पता है कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें जिसमें आपको पता है यार नहीं आते इतने लोग, मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, अब आपकी वेबसाइट में शायद 6 महीने में कोई आए 200-400 लोग आए, तो अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप चला दें उसके ऊपर, लेकिन एक वक्त में अगर 100-200 लोगों से ज़्यादा आ गया तो फिर उसकी बस हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल चीज़ों के लिए कोई आपकी जो प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे मेरी अब मैं ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, इसकी अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं रसबरी पाई छोड़ के मैं हरिको पे चलाऊँ, ठीक है, मेरे लिए बेहतर ऑप्शन ये, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक तो इसको लगाना भी तो पड़ेगा ना कहीं कोने में बिजली में, फिर मेरे पास वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा, उस ये भी बंद हो जाएगा, फिर वाईफाई बंद हुआ मेरा, तो हरिको पे ये सारे मसले नहीं है, वो फ्री भी है। अच्छा खैर, तो हम अब चल रहे थे अपने दूसरे, हमने ये पढ़ा कि क्लाइंट और सर्वर जो है ना वो सेपरेट होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने, वो एक साथ नहीं होने चाहिए, हालांकि एक साथ रखना भी कोई बुराई नहीं है, एक साथ रखें आप कोई मसला नहीं है, लेकिन अलग अलग करने से फिर आप क्या कह सकते हैं,
अपने सर्वर को आप रेस्टफुल सर्वर कहना चाहते हैं अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, उसको अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा टू क्या होना चाहिए, क्लाइंट एंड सर्वर शुड बी सेपरेट, ठीक है। एक ये हमने बात कर दी, और ये इस हेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू भी की है। अब तीसरा हमारा क्या है, स्टेट लेस, ठीक है। अब स्टेट लेस क्या चीज़ है, स्टेट लेस ये चीज़ है कि भाई आपके सर्वर के अंदर ना, ये यहाँ पे इन्होंने मिलकर लिखा हुआ भी है, वो देख लेते हैं। स्टेट लेसनेस एक क्वालिटी है, ठीक है। मैंडेट्स दैट ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द रिक्वेस्ट। द सर्वर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी प्रीवियसली स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर। अब ये तो उन्होंने मुश्किल बात की है, लेकिन मैं आपको आसान बात करके समझाता हूँ। देखो, ये लोड बैलेंसर की बात हुई थी ना, अब ये मज़ीद आगे सुन समझते हैं। क्लाइंट जो सर्वर है ना, हमारे पास जैसे हरिको समेत जितने भी हमारे सर्वर के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, या मैं अपने घर पे भी अगर सर्वर लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रसबरी पाया, मैंने वो लगा दिया, मैंने एक और लगा दिया, मैंने 10 लगा दिए, और 10ों के दरमियान में लोड बैलेंसर लगा दिया कि यार एक पे ट्रैफिक हो तो दूसरे पे भेजो, तो इस सूरत में क्या होगा, आपका एक कोड यहाँ रन हो रहा होगा और एक कोड आपका यहाँ दूसरी जगह पर रन हो रहा है, दूसरे नोड पर। अब मिसाल के तौर पर आपने अगर बना दिया ना यहाँ पर कोई वेरिएबल, इसमें यूज़र्स के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, साइन अप हुआ बंदा, इस वेरिएबल के अंदर यूज़र आके पुश हो गया, यहाँ पे यूज़र आके पुश हो गया, लेकिन हुआ क्या कि अगली रिक्वेस्ट जब बंदे ने की ना, तो रिक्वेस्ट उसकी चली गई इस वाले पे। अब यहाँ जो वेरिएबल था उसमें तो वो यूज़र मौजूद ही नहीं था, ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमने ये सीखा कि हमें जो है स्टेट लेस रखना है अपनी API को, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी API को रेस्टफुल API बोलें, सही है, हम अगर रेस्ट सर्वर बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने सर्वर के अंदर कोई वेरिएबल ऐसा नहीं बनाएं जिसमें परमानेंटली कोई चीज़ स्टोर होती हो। अच्छा, तो परमानेंटली कोई चीज़ स्टोर अगर करनी है तो वो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम करेंगे डेटाबेस के अंदर। ये हमारा डेटाबेस आ गया, ठीक है। ये एक अदर डेटाबेस मेरा है जिसको मैं कहता हूँ कि MongoDB रख सकता हूँ या कोई भी नाम रख सकता हूँ इसका मैं, जो SQL सर्वर कोई भी। तो कभी भी हमें ये काम नहीं करना है, वेरिएबल नहीं बनाने हैं सर्वर के अंदर, ठीक है। वेरिएबल तो बनाने हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ स्टोर करने के लिए नहीं बनाने। जैसे यूज़र का एक एरे बनाया हुआ है मैंने, यूज़र उसी में पुश करता हूँ, वहीं से गेट करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा ये सर्वर में स्टोर करना है, कोई भी डेटा आएगा स्टोर करने के लिए वो हमेशा सर्वर में करना है, कभी भी सर्वर के हमेशा जब भी कोई डेटा स्टोर करने के लिए आएगा वो डेटाबेस में करना है, सर्वर में नहीं करना है, ठीक है। गलत बोल गया था मैं, लेकिन डेटा जो है वो आएगा तो सर्वर से होता भाई, तो डेटाबेस में जाएगा ना। हाँ, सर्वर से हो, लेकिन सर्वर पे रुकेगा नहीं, वो खड़ा नहीं होगा, सर्वर पे स्टोर नहीं होगा, मतलब वेरिएबल टू वेरिएबल डेटा पास हो जरूर होगा, हाँ, अगर वहां सेव नहीं होगा, जाहिर सेव नहीं होगा, परमानेंट स्टोरेज सर्वर पे नहीं होगी, क्योंकि सर्वर को स्टेटलेस इसीलिए कहते हैं। स्टेटलेस हमें रखना है, हमें इसको स्टेटलेस बनाना है। जैसे मेरा जो अभी ये वाला सर्वर है ना, ये सर्वर, दिस सर्वर इज नॉट स्टेटलेस, ये स्टेट इसमें मेंटेन हो रही है ना, देखो यूज़र की एक स्टेट मेंटेन हो रही है, हालांकि है तो ये नॉट जी इसका सर्वर, लेकिन दिस सर्वर इज राइट नाउ स्टेटलेस नहीं है, ये इसमें स्टेट मेंटेन होती है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको मैंने टू डू लगा दिया, मैंने इसको रिप्लेस करना है MongoDB से। तो ये जो स्टेट है ना, ये ख़तरनाक है, ये स्टेट अगर आपने लगा दी अपने सर्वर पे, तो ना आप अपने सर्वर को स्केलेबल कर सकते हैं बाद में, ठीक है। जाहिर है, अब ये एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा है, एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट हुई तो यहाँ आ गई, दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ आ गई, अब डेटा तो आपका यहाँ पे था, यहाँ वो मिलेगा ही नहीं, एरर आ गया आपके पास, ठीक हो गया। फिर दूसरा ये कि देखो, अभी ना लोड बैलेंसर लगा हुआ है, दो नोड चल रहे हैं, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, लेकिन हरिको ने देखा कि यार 2 घंटे हो गए हैं, कोई यूज़र एक भी नहीं आ रहा है इसके पास, 0 ट्रैफिक है, तो वो हरिको क्या करेगा, इस वाले को डाउन कर देगा, इस वाले इंस्टेंस को उड़ा देगा, डाउन कर देगा, डिलीट कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा, आपका एक ही रह जाएगा फिर ये, तो इसमें जो डेटा था वो तो ज़ाया हो गया, ठीक है। या वैसे भी किसी भी वजह से हरिको में मेंटेनेंस चल रही है, कुछ भी चल रहा है, आपका सर्वर अगर रीस्टार्ट हुआ ना किसी भी वजह से,
तो आपका वो सारा डेटा गया, ये एक अलग नुकसान है। ठीक है, तो यही वजह है कि ना आपको सर्वर के अंदर कोई चीज़ क्रिएट करनी है इस तरह की जो आप बाद में उसके लिए आप रो रहे हो कि यार ये कहाँ चली गई। ठीक है, ना तो आपको ना सर्वर के फोल्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ रखनी है, सर्वर के फोल्डर में भी आप फाइल क्रिएट करके छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फाइल क्रिएट करनी है तो स्टोरेज बकेट है, और अगर आपको डेटा बेस में कोई चीज़ रखवाने वाली चीज़ है तो वो डेटा बेस, उसके लिए मोंगो डीबी हमारा। तो अब इमेजिन करें कि अब ये वेरिएबल जब नहीं है तो अब ये काम कैसे करेगा। लेता हूँ सवाल मैं आपका। अब जब बंदे ने बोला कि साइन अप करो मुझे, ये साइन अप का फॉर्म फिल करके बंदे ने सबमिट का बटन दबाया, तो अब रिक्वेस्ट आपकी आई है इस जगह पे सर्वर में। अब ये सर्वर का काम क्या है, सर्वर का काम ये फ़ौरन इस डेटा को कहाँ भेजे, मोंगो डीबी के अंदर भेजे फ़ौरन। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको जवाब दे कि ठीक है भाई आपका जो डेटा था ना साइन अप, वो आपका क्या हो गया, जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया, यानी कि आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है, अब आप करो लॉगिन। ठीक है, लेकिन अब इमेजिन करो जब लॉगिन करने जाता है बंदा तो रिक्वेस्ट कहाँ चली जाती है, इस वाले पे चली जाती है। ठीक है, अब जैसे ही लॉगिन की रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, तो सर्वर का काम क्या है, डेटाबेस में जाके चेक करे कि हाँ यार इस नाम से मौजूद है बंदा या नहीं है, मिल जाएगा उसको, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि स्टेट लेस रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम रेस्टफुल एपीआई अपने सर्वर को हम बोलें, या रेस्टफुल सर्वर अपने सर्वर को हम बोलें। अच्छा, नंबर तीन जो है वो क्या है, कैशेबल। अच्छा, कैशेबल जो है ना उसके लिए आमतौर पे आपको कुछ करना नहीं होता, गूगल क्रोम वगैरह जो है ना वो आमतौर पे कैशेबल ही होते हैं। ठीक है, कैशेबल का मतलब ये, अगर मैं एक यूआरएल कॉल कर रहा हूँ तो हर दफ़ा उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग आएगा तो फिर वो कैशे, गूगल क्रोम उसको कैशे नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये शुरू के जो पांच है ना, ये तो समझ में अगर आ गया ना आपके तो फिर ओके है। अच्छा, ये लेयर्ड स्टाइल आखिरी है, ये भी आपको कुछ आमतौर पे करना नहीं होता इसके लिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो, द लेयर्ड सिस्टम स्टाइल अलाउ एन आर्किटेक्चर टू बी कंपोनेंट और हायरार्किकल लेयर बाई कंस्ट्रेनिंग कंपोनेंट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ लेयर सिस्टम ईच कंपोनेंट कैन नॉट सी बियॉन्ड द इंटरमीडिएट लेयर दे आर इंटरेक्टिंग विथ। अच्छा, अब इसमें ये क्या कह रहा है बात, कि आपका जब क्लाइंट है ना, जो ये आपका क्लाइंट है, ये जब कॉल करता है ना एपीआई को, जब ये कॉल करता है, तो इस क्लाइंट को ना ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो डेटा मुझे रिस्पॉन्स मिला है ना, ये क्या वाकई पूरा हरिको तक गई थी रिक्वेस्ट, वहाँ से मुझे मिला है, या बीच में किसी जगह से मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। इसको क्लाइंट को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका ये जो क्लाइंट है ना, ये खुला हुआ है गूगल क्रोम में, ये गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम है, सही है। तो गूगल क्रोम क्या करता है आमतौर पे, कभी कभी आप जब एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, एक दो दफ़ा तो जाता है सर्वर पे पूरा, लेकिन जब उसको पता चल जाता है ना कि इस एपीआई का क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो वो क्या करता है, सर्वर पे जाने नहीं देता फिर उसको। फिर उसको क्या करता है वो, फिर यहीं से ही ना, यहाँ पे इमेजिन करो उसके कैशे बना हुआ है, एक यहाँ पे ना इसके कैशे एक तैयार हो रहा है, ये इसी कैशे से ही इसको जवाब दे देता है कि भाई इसका ना यही रिस्पॉन्स होगा। मिसाल के तौर पे इमेजेस, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वेबसाइट के अंदर ना बहुत सारी इमेजेस हैं, इमेजेस हैं यार या नहीं है, इमेजेस ही नहीं है भाई इस वेबसाइट में, लो भाई। अच्छा खैर, तो मैं ये आई स्टॉक फ़ोटो को, ये रैंडमली कोई मैंने वेबसाइट खोल ली, देखो इसमें इमेजेस है ना, लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये देखो इमेज, ये लोड नहीं हुई भी, थोड़ी देर में लोड हो रही है, लेकिन जब मैं अगली दफ़ा करूँगा तो क्या होगा, ये इमेज पहले से लोडेड है, कोई इमेज दोबारा लोड नहीं हुई अगली दफ़ा में। ठीक है, ये सब इमेज पहले से लोड हुई हुई थी, नोट किया है क्या हुआ। अब देखो ये अंदर हो क्या रहा है इसके, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता, आपको बस ये करना होता है कि ना मैं गया नेटवर्क पर, और नेटवर्क पर जाके ना मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब देखो इमेजेस के आगे ना क्या लिखा हुआ होगा, नोट करना, जितनी भी इमेजेस लोड हुई है ना उसके आगे देखना क्या लिखा हुआ होगा, वो बोलेगा कि ये कहाँ से आया है, देखो मेमोरी कैशे से आया है ये। ठीक है, सेव्ड फ्रॉम मेमोरी कैशे, सही है, ये कहाँ से उठा के भेजा है गूगल क्रोम ने, इसको मेमोरी के कैशे से भेजा है। अच्छा, ये जिसके आगे लिखा हुआ है ना 63 KB, इसको तो किया है डाउनलोड इंटरनेट से। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी फ़ोटोज़ थी हमारी, जैसे ये देखो फ़ोटो है, ये एक फ़ोटो है, तो इसको ये कहाँ से उठा के लाया है, मेमोरी कैशे से। अच्छा, अगर मैं कैशे को क्लियर कर दूँ, राइट क्लिक किया मैंने, मैंने कहा भाई कैशे क्लियर मारो आप इसका, और दोबारा लोड करो आप इसको। ठीक है, तो अब आप नोट करें कि यहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं, जैसे ये एक फ़ोटो है आपकी,
ठीक है, ये एक फ़ोटो है देखो, अभी ये कहाँ से लेकर आ रहा है, अभी इसने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, 24 KB डाउनलोड किया है इसने इंटरनेट से, राइट। लेकिन अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा ना, कैशे तो क्लियर किया था मैंने, एक बार किया था, अब कैशे में दोबारा से जाके ये सेव हो गई है। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देख रहे हो, ये किसी भी इमेज को इसने दोबारा लोड नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेयर्ड सिस्टम। इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज भी आती हैं, बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो क्या कर देते हैं, आपके सिस्टम को कैशेबल बना देते हैं, ठीक है। अब वो हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास लाइब्रेरीज़, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लेयर बना देते हैं अपने सिस्टम से पहले ही, ठीक है। अच्छा, एक उसमें से मैं आपको एक जिक्र कर देता हूँ, नाम रेडी सेवालबन, नहीं इन मेमोरी डेटाबेस लिखूंगा ना, अभी मैं यार नाम भूल गया उसका, क्या था, रेडिस ही था गालबन, रेडिस की बात कर रहे हैं, हाँ रेडिस ही है ना, जो कैशे कर लेता है और बाद में वो मेमोरी से उठाता है, हम लोग करते हैं रेडिस, हाँ तो वो रेडी से है, वो बड़ा यूज़ करते हैं, वो हम कवर नहीं कर रहे इस कोर्स में, लेकिन वो आमतौर पर इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वो क्या करता है, वो लेयर्ड सिस्टम जो ये बता रहे हैं ना, कि आपका जब क्लाइंट कॉल करेगा आपके सर्वर को, तो आपके क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि ये पूरा सर्वर तक गया या दरमियान से ही कहीं से वापस लेकर आ गया डेटा, ठीक है। तो ये लेयर्ड सिस्टम है, तो ये भी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये क्वालिटी आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने ऊपर की ये चीज़ें फॉलो की है ना, तो नीचे वाला ये ऑटोमेटिक अचीव हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए अगर अलग ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो फिर रेडिस वगैरह लगाने का ऑप्शन होता है। और ये चीज़ जो है ना लेयर्ड सिस्टम, ये बाई डिफ़ॉल्ट फॉलो की जा रही है आजकल ना, जो नए वाले जैसे गूगल क्रोम वगैरह, ये बाई डिफ़ॉल्ट फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छा, मैंने एक मैसेज किया है रेडिस का, हाँ रेडीज इन इन मेमोरी डेटा डेटा स्ट्रक्चर स्टोर, हाँ ये बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमने REST API के 5 रूल्स पढ़े हैं, इसमें किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले प्लीज़, फिर हम आगे चलते हैं। वो सर एक चीज़ बताइए, ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये क्लाइंट साइड पे भी होता है, जैसे रिएक्ट पे भी स्टेट यूज़ होती है, तो क्या वो सेम कॉन्सेप्ट है? हाँ, स्टेट तो वही है, हाँ स्टेट ना उसी चीज़ को कहते हैं कि वेरिएबल होगा, उसमें कोई डेटा स्टोर होगा, चाहे वो एरे हो या ऑब्जेक्ट, चाहे वो एरे हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, सही है। जैसे अभी जैसे रिएक्ट में आपने बिल्कुल सही कहा कि रिएक्ट में क्या होता है, API से जितना भी डेटा आप मंगवा रहे होते हैं वो एक स्टेट मेंटेन कर देते हैं, आप उस स्टेट में उसको रख देते हैं और उस स्टेट से उठा उठा के उसको स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, वो स्टेट चेंज होती है तो स्क्रीन पर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट तो वही है, लेकिन REST API या RESTful सर्वर के अंदर सर्वर पे स्टेट बनाने से मना किया है, वही सेम चीज़ सर्वर पे नहीं बना सकते आप, सर्वर पे बनाने मना किया है आपको, वही सेम चीज़ जो आप रिएक्ट में जो बनाते हैं ना क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट में बनाना कोई मसला नहीं है, उससे सर्वर का कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट पे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें सीखेंगे हम, तो सर्वर पे स्टेट बनाना आपको मना है, अगर आप बनाते हैं तो सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप फिर RESTful API नहीं कह सकते अपनी API को, कुछ आप बोलेंगे बस API है, नॉर्मल सी API है, सही। और उसके डाउन साइड्स आपको पता चल गए हैं बहुत सारे हैं, ये Node.js का सर्वर जो है ये स्टेट मेंटेन कैसे करता है, ये अलग चीज़ है ना, उसका स्टेट मेंटेन करना, ये जो अभी मैंने कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड अगर आप देखें, ये इस कोड में स्टेट मेंटेन हो रही है ना, ये गलत है, होना नहीं चाहिए, ये तो मैं समझाने के लिए किया था फिलहाल, ये स्टेट मेंटेन हो रही है ना, ये तो बाबर भाई ये समझ आया आपको, ये स्टेट मेंटेन हो रही है, ये नहीं करना बस मुझे, ये वेरिएबल नहीं बनाना, इस वेरिएबल का को मुझे ऐसा जुगाड़ करना है कि अगर मेरा सर्वर रीस्टार्ट भी हो जाना, ये डेटा ज़ाया ना हो, मुझे ऐसा इसको कोई जुगाड़ करना है, सही है। तो ये जो मैं स्टेट मेंटेन कर रहा हूँ, ये क्लाइंट पे तो ज़ाहिर है करना पड़ेगा, क्लाइंट पे तो उसके बगैर काम नहीं हो सकता, लेकिन सर्वर पे ये करना मना है अगर आप RESTful API बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 5-10 मिनट रह गए, तो हम जो है ना, मेरा ख्याल है किसी और का अगर कोई सवाल नहीं है ये 5 प्रिंसिपल्स को लेकर। सर मेरा एक सवाल है जी, प्लीज़। सर वो जो जैसे आपने लोड बैलेंसर का कहा, तो वो जब सर्वर पे अगर मिसाल के तौर पर 100 रिक्वेस्ट आई हैं,
तो उसके बाद ही वो नेक्स्ट पे जाता है या एक एक रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर रहा होता है जैसे दो सर्वर हो तो? नहीं, असल में वो क्या करता है, इसमें लोड बैलेंसर में ना आपको ये लिखना पड़ता है, रूल लिखने पड़ते हैं कि कब ये किस पे भेजे, क्या करें, ठीक है। अब जैसे अगर आप हरिको पे जाएंगे ना, तो हरिको में ऐप के अंदर गया, तो ऐप के अंदर जब मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहे हैं, देख रहे हैं मैट्रिक्स, अभी तो ये मुझे शो नहीं करेगा मैट्रिक्स, क्योंकि फ्री वाले में शो नहीं करता ये, लेकिन जब मैं पेड प्लान पे जाऊँगा ना, तो ये मुझे करंट मैट्रिक्स दिखा रहा होगा कि अभी जो आपने जो सर्वर ख़रीदा हुआ है, ज़ाहिर है यहाँ पे मुझे पे करना, प्राइसिंग भी देख लेते हैं ना इसकी, हम जाते हैं हीरोकु प्राइसिंग, ठीक है ये आ गया मैं, अब इसमें देखिए ये प्राइसिंग में इन्होंने बताया हुआ होगा कि कितने नॉड आपको कितने पैसों में मिलते हैं, ठीक है। एक तो है $0 फ्री वाला, एक है प्रोडक्शन $25। अब $25 के अंदर मुझे क्या क्या देते हैं ये, कहाँ बताया इसने, हाँ ये देखो, एक तो फ्री वाला है, ये फ्री वाले की स्पेसिफिकेशन है, अच्छा उसके बाद मुझे स्टैंडर्ड जो है ना मेरा $25 महीने वाला जो है, ये $25 महीने वाला है, इसमें मुझे ये देते हैं स्टैंडर्ड 1x, 1x ना इनकी एक मशीन है उसका नाम है, यानी एक CPU है इनका, उसका नाम है 1x, सही है, स्टैंडर्ड 1x नाम है उस CPU का, उस कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर आपको मिलता है एक, अच्छा चूज़ फॉर लाइट वेट दिस कैन बूस्ट अप टू 512 MB रैम, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शायद अब इनकी मशीनें कौन कौन सी हैं वो हमें लिस्ट होगी कहीं नीचे, यहाँ पे मशीनें इनकी कौन कौन सी हैं ना उनकी कहीं पे लिस्ट होगी, अच्छा खैर अभी वो लिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पर है, लेकिन आप देखें इसमें और भी मशीनों के नाम बता रहा होगा ये, अच्छा कह रहा है कि अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए 2x, स्टैंडर्ड कंप्यूटर जो इनका है, ये 1x था एक पीस, ये दो पीस, तो आपके फिर $50 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, CPU आपको मिलेगा और 1 GB आपको रैम मिलेगी इसमें, ठीक है, स्टैंडर्ड इनकी एक मशीन है। अब स्टैंडर्ड मशीन में कितना बड़ा प्रोसेसर होता है वो अभी कहीं होगा अंदर लिखा हुआ, फिर देखें आप परफॉर्मेंस वाला जो है, अच्छा इन्होंने क्या बोला है कि परफॉर्मेंस करके मशीन है इनकी कोई, परफॉर्मेंस M, वो $250 में आपको देते हैं ये, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि कॉन्करेंसी जो है ना इसके अंदर स्टैंडर्ड 2x से भी ज़्यादा है, कम्स विथ 2.5 GB रैम, इसके अंदर 2.5 GB रैम होती है, ठीक है। फिर ये परफॉर्मेंस L है जिसमें क्या है 14 GB रैम होती है और एक्सट्रीमली हाई कॉन्करेंसी होती है, पैरेलल रिसोर्स होता है ये, ठीक है। फिर एक प्राइवेट है, प्राइवेट में आप ख़ुद बताते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, आप बोलते हैं मुझे ये मशीन चाहिए, वो आपको बना के देते हैं, ठीक है। व्हाट आर डायनोज, ये व्हाट आर डायनोज में ना ये लिखा हुआ होगा सर, जो बड़े सर्वर हो उनके लिए तो फिर लेना पड़ता है ना सर ये, हाँ अच्छा ये शायद थोड़ी और ज़्यादा जो है ना बेहतर डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल गई है, ठीक है। ये इनकी चार मशीन है, एक फ्री वाली मशीन है, एक हॉबी मशीन है, एक स्टैंडर्ड 2x, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस L, ये इनकी मशीनें हैं सारी, हर मशीन के नीचे पैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखो इसने क्या बोला, डाइनो टाइप्स, ठीक है। अब डाइनो जो है ना, ये इस कंप्यूटर को ये डाइनो बोलते हैं ना, अच्छा अब ये डाइनो तो ये इतने सारे आ गए, अब मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे ना कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए अपना ये जो स्टैंडर्ड 1x है ना, इसके मुझे 10 डाइनो चाहिए, तो अब देखो ये कैसे सेलेक्ट होता है 10 डाइनो, बैक किया मैंने, ये प्रोडक्शन सेलेक्ट हो गया स्टैंडर्ड, अच्छा मैंने कहा 1x, एड टू एस्टिमेट, कह रहा है 1x कितना चाहिए आपको, मैंने कहा 10 चाहिए मुझे 1x, ये 10 लगा दिया मैंने, ठीक है। और मैंने कहा ऐड, ये देखो 250 बना दिए इसने पैसे मेरे। अब ये 10 इंस्टेंसेस जो है ना, ये 10 इंस्टेंसेस आपस में लोड बैलेंस होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। जाहिर है अभी मैं क्योंकि फ्री प्लान पे हूँ तो मुझे वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही नहीं है ना, मैट्रिक्स में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। मैट्रिक्स आर नॉट करंटली अवेलेबल, मैट्रिक्स आर ओनली अवेलेबल फॉर दैट दैट दैट, तो यहाँ पे मेरे पास रूल लिखने के ऑप्शंस आ जाते हैं फिर, वो जो इस कोर्स में हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन उस हिसाब से फिर मैनेज होता है। हाँ देखो यहाँ पे भी ना लिखा हुआ है फ्री डाइनो है, मैं इस डाइनो की टाइप को चेंज कर सकता हूँ,
और जब मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास एड ऑन आ जाते हैं बहुत सारे, लोड बैलेंसर के बहुत सारे एड ऑन्स हैं, मैं वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनका बिल्ट इन भी है वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर मैं रूल लिखूँगा कि क्या 10 डाइनों को इक्वली इस्तेमाल करना है, जो आपका सवाल था असल, कि क्या 10 डाइनों को इक्वली इस्तेमाल करना है, हर वक्त उसको ऑन रखना है, या उसको क्या करना है कि पहले सिर्फ एक डाइनो को इस्तेमाल करना है और जब वो फुल होगा तो फिर दूसरा को ऑन करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका जवाब असल में ये है कि हरिको के केस में जो है ना, आपके डाइनो आपने ख़रीद लिए ना, पैसे आपको देने हैं बस, आपके डाइनो इस्तेमाल हों या ना हो पैसे आपको देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो और बेहतर जो इसका सॉल्यूशन है वो है कुबरनेटीज, ठीक है। कुबरनेटीज में क्या होता है, या आपके जो गूगल के ऐप इंजन है, क्योंकि हरिको एक वाहिद क्लाउड प्रोवाइडर नहीं है, हम हरिको को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हरिको में क्रेडिट कार्ड के बगैर हमें मसले हो जाते हैं सारे हल, ये जो हमने अभी हेलो वर्ल्ड वगैरह बनाया इसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। इससे एक बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गूगल ऐप इंजन। उसके अंदर फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि यार ऑटो स्केलेबल, ऑटो स्केलेबल में आप कहते हैं मिनिमम मुझे 2 इंस्टेंसेस चाहिए, मैक्सिमम मुझे 10 इंस्टेंसेस चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटो स्केलेबल होता है, इसकी भी प्राइसिंग आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जाहिर है फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म, फिर AWS भी है, उस पर भी आप Node.js का सर्वर होस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इन्होंने बोला भाई ऐप इंजन पर क्या क्या हो सकता है, ऐप इंजन पर PHP का भी सर्वर होस्ट हो सकता है, Node.js का भी हो सकता है, Python का भी हो सकता है, Ruby Rails का भी हो सकता है, Java का भी सर्वर होस्ट हो सकता है, Go लैंग्वेज का भी हो सकता है। तो ये ऐप इंजन पे ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं। हरिको पे भी सिर्फ Node.js थोड़ी होस्ट होता है, हरिको पे बहुत सारी चीज़ें होस्ट हो जाती हैं। Heroku लैंग्वेज सपोर्ट लिखेंगे तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी। सर ये हरिको के ऊपर हम पूरी की पूरी वेबसाइट अगर बनाकर भी होस्ट कर सकते हैं। हाँ देखो, हरिको पे भी इन्होंने बोला Node.js, Ruby Rails, Python, Java, PHP, Go, Scala, Clojure, ये इन सब के सर्वर होस्ट हो जाते हैं। हम फिलहाल Node.js का सर्वर होस्ट कर रहे हैं इस पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा Node.js का करें, ठीक है। हम कोई और सर्वर भी होस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। अच्छा, Node.js का सर्वर भी मुझे अगर मैं होस्ट मुझे करना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा हरिको पे करूँ, मेरे पास गूगल का भी ऑप्शन है, मेरे पास AWS का भी ऑप्शन है, एज इट इज़ ये उठ के गूगल पे भी होस्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये वाला यूज़ क्यों कर रहे हैं हरिको वाला, क्योंकि हरिको पे हमें क्रेडिट कार्ड नहीं लगाना पड़ता, हमारा जो हेलो वर्ल्ड है ना वो ऐसे ही बन जाता है बगैर क्रेडिट कार्ड के। गूगल पे AWS पे क्या होता है, जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जब तक आप क्रेडिट कार्ड उसमें एसोसिएट नहीं करते अपना, वो आपको कुछ भी नहीं करने देता, ABC भी नहीं करने देता, सही है। और वो फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि यार पता नहीं कौन है मिस यूज़ कर जाए, क्या कर जाए, कोई हैकिंग कर जाए इसके ऊपर, कोई साइबर क्राइम करके चला जाए तो किसको पकड़ेंगे, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड लगवाते हैं टू नो द कस्टमर, KYC के लिए लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये होपफुली अच्छे से समझ आ गई आपको। अच्छा, किसी और का अगर कोई सवाल है तो पीछे पूछ ले प्लीज़। उसके बाद हम छोटा सा चुनना सा काम करते हैं फिर हम छुट्टी करते हैं। सर इस कोर्स के बाद हम पूरी एक छोटी साइट बना लेंगे। इंशाल्लाह लॉगिन और साइनअप का प्रॉपर एक ऐप ना हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, अगली एक दो क्लासों में ना हम लॉगिन और साइनअप का पूरा, हमारा सिर्फ डेटाबेस रह गया है अभी, सर्वर हमने ऑलमोस्ट कर लिया है पूरा, सही है, सर्वर हमारा ऑलमोस्ट कर लिया है हमने, एक दो चीज़ें सर्वर की रहती हैं वो हम करेंगे ना, फिर हम जल्दी से डेटाबेस जब हम पढ़ेंगे ना, जैसे ही डेटाबेस पढ़ते ही हम लॉगिन साइनअप बना लेंगे पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सिर्फ सब्र करें, डेटाबेस जैसे ही होगा ना आपको एक फील आएगी कि अच्छा यार अब मैं वाकई, असल में क्या होता है ना कि ये अभी बुनियाद पे काम हो रहा है, बुनियाद पे लगता है टाइम, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको बताने पड़ते हैं, एक एक करके समझाने पड़ते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अभी आपकी ना बुनियाद ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जैसे ही आपकी बुनियाद कंप्लीट होगी ना तो बिल्डिंग 2 मिनट में खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और उस बिल्डिंग के ऊपर आप फिर मजीद बनाते चले जाएँ वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो थोड़ा सा आपको सब्र और करना पड़ेगा, ठीक है, आप मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहें इस कोर्स में, तो हम बहुत जल्दी जो है पूरी फुल फ्लैश एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, टाइम आपको चाहिए होगा, टाइम बहुत आपका मांगेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना थोड़ा सा टाइम दें और ये हो जाए। अच्छा, तो आज हम छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा काम ये करते हैं कि ये जो यूज़र था ना हमारा, ये जो यूज़र मैं पोस्ट करता था और ये यूज़र जो मैं गेट करता था, इसकी मैं REST API लिख लेता हूँ, इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स बना के ना मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छे से। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई
आप जो है ना क्या करो, आ जाते हैं सबसे पहले क्या है मेरे पास, मेरे पास सबसे पहले है गेट सिंगल यूज़र, सही है, चलो बल्कि पोस्ट है, पोस्ट से शुरू करते हैं। पोस्ट हमने बनाया हुआ है, सिंगल यूज़र पोस्ट करना है और मल्टीपल यूज़र पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये सिंगल यूज़र पोस्ट करने का हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये सिंगल यूज़र पोस्ट होता है यहाँ से। अच्छा, अब इसी तरीके से ये जो गेट होता है, यहाँ पे यूज़र में एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है ये सिंगल यूज़र गेट होना चाहिए था, लेकिन ये तो सारे यूज़र गेट होते हैं, तो इसका मतलब है ये यूज़र्स है, एस है ये, और मुझे अब एक बग़ैर एस वाला अलग से बनाना होगा, सही है। ये सिंगल यूज़र वाला ये हो गया बग़ैर एस वाला, और ये हो गया ऑल यूज़र एस के साथ जो है। तो हम ये REST API ना, इसकी जो यूनिफॉर्म इंटरफेस है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गेट ऑल यूज़र्स, ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये वाला किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गेट सिंगल यूज़र, ठीक हो गया। अच्छा, जब गेट सिंगल यूज़र है तो मुझे ID भी चाहिए उसकी, तो मैं कॉलन लगा के लिखूँगा यहाँ पे ID, या यूज़र ID कोई भी मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिख दूंगा मैं, यूज़र ID लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि जो यूज़र की ID है उसको भेजेगा फिर उठा के, ये सारे यूज़र को नहीं भेजेगा फिर ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अब भेजेंगे कैसे सिंगल यूज़र, वो भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले ये कर लेते हैं नीचे तक। अच्छा, अब उसके बाद है पुट, यूज़र को मॉडिफाई करता है, इसमें देखो एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है सिंगल यूज़र को मॉडिफाई करता है, तो कौन है वो सिंगल यूज़र, उसकी ID भी तो मुझे चाहिए ना, बगैर ID के मैं कैसे करूँगा मॉडिफाई, मैंने कहा यूज़र ID भी मुझे यहाँ चाहिए होगी, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, टू मॉडिफाई सिंगल यूज़र, ठीक है, सिंगल यूज़र मॉडिफाई हो गया। उसके बाद डिलीट, अब डिलीट में भी एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है सिंगल यूज़र डिलीट होता है, तो सिंगल यूज़र कौन से, 10, 12, 15, 20 यूज़र है मेरे पास, तो इसमें भी मुझे ID रिक्वायर्ड है, यूज़र ID, ये मुझे रिक्वायर्ड है, इसके बगैर तो मैं सिंगल यूज़र तो नहीं डिलीट कर सकता। अच्छा, अब मैं एक बना लेता हूँ डिलीट एस वाला, एस वाला डिलीट मतलब यूज़र्स, इसका मतलब है डिलीट ऑल, सारे को डिलीट करवाना है मैंने, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होगा, डिलीट ऑल यूज़र्स, ठीक है, सिंगल यूज़र, डिलीट सिंगल यूज़र के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये वही ऐप है जो लास्ट क्लास में मैंने बनाई थी, आज वाले पे मैं काम नहीं कर रहा, आज तो हमने कोई और कोड लिखा ही नहीं है मज़ीद, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट, ये नीचे वाले दोनों की ज़रूरत है हमें क्या, चलो रहने देते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र का जो था ना भाई, ये पूरा बन गया, REST API बन गया। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एडिट में मैंने मल्टीपल यूज़र एडिट करने वाला ऑप्शन नहीं रखा, नहीं रखा तो नहीं रखा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो मैंने नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, गेट में भी सम टाइम ये है कि गेट ऑल यूज़र का ऑप्शन नहीं होता सम टाइम, ठीक है, मैंने रखा हुआ है तो ठीक है, मतलब आपकी नीड के मुताबिक, अगर आपके यूज़ केस में अगर आपको तमाम यूज़र एक साथ गेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप क्या करेंगे, आप ये कॉल करेंगे, अदरवाइज़ आप ये ना रखें अपने पास, ये API ही आप हटा दें। तो API से जो चीज़ें मैं एक्सपोज करूँगा, मैंने सिंगल यूज़र गेट करने की API एक्सपोज कर दी, मैंने तमाम यूज़र गेट करने की API एक्सपोज कर दी, तो जो जो API मैं बनाऊंगा ना, वही डेटा एक क्लाइंट मेरे पास से हासिल कर सकता है, जो API मैं बनाऊंगा ही नहीं वो यूज़र कर ही नहीं सकता। जैसे पुट में ना, मैंने देखो मॉडिफाई ऑल यूज़र पे मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, तो मेरे पास मेरा जो क्लाइंट होगा वो किसी भी हाल में मॉडिफाई ऑल यूज़र कर ही नहीं सकता, मैंने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, इससे मेरे REST API होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने बीच में से कोई एक चीज़ मैंने नहीं रखी है, जैसे ये वाला मैंने नहीं रखा, तो मेरी जो API है वो अभी भी REST API है, ठीक है। वो मेरी मर्ज़ी है कि इसमें से कौन कौन सा मैं देता हूँ, कौन कौन सा नहीं देता, वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। उससे REST API होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें करें क्या। अभी हमारे पास ये जो यूज़र क्रिएट होता है ना, ये यूज़र अभी ID नहीं है इसके पास कोई भी, ये यूज़र जो हमारे पास क्रिएट होता है, इस यूज़र में कोई ID है ही नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इस यूज़र को पहले तो मुझे ज़ाहिर है क्रिएट करते हुए ID प्रोवाइड करनी होगी, एक ID बना के देनी पड़ेगी इसको मुझे, ठीक है। तो मैं ID बनाने के लिए क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्रिएट जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 100 या 1 to
बहुत लंबा एक नंबर मैंने दे दिया कि भाई इसके दरमियान का कोई एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करना है, ठीक है। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास क्या बन गया, एक अदद फंक्शन बना लिया मैंने जो मुझे क्या देता है, ज़ीरो से लेके बहुत बड़े एक नंबर का कोई रैंडम नंबर देता है जो मैं आईडी के तौर पे इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। अभी सही है, तो मैंने रैंडम नंबर का, अब मैं ये जब भी कॉल करूँगा तो मुझे एक रैंडम नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो पुश कर रहे हो ना आप इससे पहले, ठीक है, आप पुश करने से पहले क्या करो, आप बोलो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सही है, रिक्वेस्ट की बॉडी में जो कुछ भी आया है मेरे पास, बल्कि इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। मैंने कहा लेट न्यू यूज़र इक्वल्स टू, ये ऐसे मैंने कर दिया। अच्छा, क्या क्या भेजता था मैं, सबसे पहले तो मैं आईडी दूंगा, मैंने कहा आईडी इक्वल्स टू रैंडम नंबर, जो भी यहाँ से रैंडम नंबर आता है ना वो आईडी के तौर पे इस पे रख दो, ठीक है। नेम को मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और क्या भेजता था मैं, एज नहीं ये तो नहीं भेजता था, मैं देख लेता हूँ मैं क्या क्या भेजता था फ्रंट एंड से। ये तीन चीज़ें भेजता हूँ मैं फ्रंट एंड से, ठीक है, ये तीन चीज़ें भेजता हूँ मैं फ्रंट एंड से। ठीक है, तो मैंने कहा भाई फुल नेम जो है ना उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फुल नेम। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी चीज़ें आई थी ना उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरा प्रॉपर एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसमें आईडी भी शामिल है, जिसमें फुल नेम भी शामिल है, जिसमें यूज़र नेम भी शामिल है, जिसमें पासवर्ड भी शामिल है। ये पूरा एक नया मैंने बना लिया न्यू यूज़र, और इस न्यू यूज़र को अब मैं क्या करूँगा, पुश करवा दूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने न्यू यूज़र को पुश करवा दिया। अब मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास आईडी मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये मेरे पास यूज़र क्रिएट जो होता था उसमें आईडी नहीं थी, तो मैंने आईडी डाल दी अब, ताकि मैं मेरे पास कोई आईडी डाल के भेजे तो मुझे पता तो चले कि कौन सा वाला बंदा है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, अब मेरे पास जो है ना एक रिक्वेस्ट आई कि भाई साहब यूज़र गेट करना चाहता हूँ मैं, और इस फला आईडी का यूज़र गेट करना चाहता हूँ। तो ये आईडी जो यहाँ यूआरएल में है ना, ये मुझे कहाँ मिलती है, मुझे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट और यूज़र आईडी, इसमें मिलती है मुझे ये। तो मैंने इसमें से अलग करके एक वेरिएबल में पहले निकाल लिया। अच्छा, बॉडी कहाँ मिलता है, बॉडी मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, और ये जो चीज़ बंदे ने लिखी है ना ये मुझे मिलता है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि भाई क्या करो, जो मेरा यूज़र है ना वो निकाल के लाओ, कहाँ से निकाल के लाओ, फाइंड करो, फॉर लूप चलाओ, कुछ करो, सही है। तो मैंने कहा भाई फॉर लूप चला दो एक। अच्छा, क्या ख्याल है यहाँ पे फॉर लूप चलाना ज़्यादा मुनासिब है, या कौन सा लूप चलाऊँ मैं, मैप चला दूँ या फॉर लूप चला दूँ, कौन सा लूप चलाना ज़्यादा मुनासिब है? मैप चला दे, फॉर लूप मेरे चलता है, ठीक है। अच्छा, मैप चलाने में मसला ये है कि अगर मेरे पास वो मैप एक नया एरिया दे देगा ना। हाँ नहीं, मैप चलाने में मसला ये है कि अगर मेरे पास 2000 यूज़र हैं और ये आईडी ना मुझे पहले नंबर पे मिल गई, तो मैं मैप को रोक नहीं सकता, मैप चलेगा पूरा आखिर तक, मैप को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। नहीं, डू वाइल क्या हमें करके देखना चाहिए, वो तो फॉर लूप भी ब्रेक हो जाता है, तो मेरे ख्याल डू वाइल का सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है, फॉर लूप आसान है। अच्छा, फॉर ईच का भी एक लूप है, लेकिन क्या फॉर ईच के लूप को मैं ब्रेक कर सकता हूँ? फॉर लूप के अंदर मैंने ब्रेक लगाया तो देखो मुझे ये क्या कह रहा है, ठीक है, एरर दे रहा है मुझे, ये कह रहा है जंप टारगेट कैन नॉट क्रॉस फंक्शन बाउंड्रीज। तो इसका मतलब है कि ब्रेक इन दोनों में नहीं लगता। अच्छा, एक तो मुझे ये को पायलट भी सजेस्ट कर रहा है ना कि भाई ये लिख लो यूज़र्स डॉट फाइंड, ठीक है, ये मुझे सजेशन दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि अच्छा मैं लगाऊंगा फॉर लूप, ठीक है। मैंने कहा भाई लेट आई इक्वल ज़ीरो, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं ना वो लगाते हैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा, ये मैंने लगा दिया, कितनी दफ़ा लूप चलाया, ज़ीरो से शुरू किया और यूज़र्स जो मेरा वेरिएबल था जिसमें यूज़र मेरे सारे, उसकी लेंथ तक चला दिया मैंने। मिसाल के तौर पे कहा 2000 यूज़र हैं, तो इसका मतलब है कि ये लूप 0 से लेके 2000 तक चलेगा, ठीक है। और मैं हर इंडेक्स पे जाके मैं एक इफ़ लगाता हूँ,
इफ लगा के मैं क्या बोलता हूँ, यूजर्स का इंडेक्स आई डॉट आई डी अगर इक्वल्स इक्वल्स है किसके, यूजर डॉट आई डी के, जो ये मुझे यूज़र आई डी मिली है इसके अगर इक्वल है तो क्या करो, जो इस यूज़र को भेज दो, ठीक है। अच्छा, और अगर ये इसको साथ साथ क्या कर दो, यहाँ पे ब्रेक भी कर दो, ठीक है, आगे चले भी ना ये क्या एक्स्ट्रा सर, वो सारे यूजर्स के अंदर पहले ढूंढेगा फिर उसके बाद उसको ब्रेक कर देगा जब मिल जाएगा। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इनमें से कोई मतलब 2000 दफ़ा लूप चला लेकिन ये आईडी मुझे नहीं मिली, जस्ट इन केस आईडी गलत भेज दी थी बंदे ने, नहीं मिली आईडी, तो मुझे लूप ख़त्म होने के बाद जो है ना यूज़र को ये भी बताना है कि भाई नॉट फाउंड, कोई नहीं मिला आपके, जिस जो आपने आईडी भेजी थी ना वो गलत भेजी थी आपने, कोई नहीं है इस नाम से यूज़र, तो अब मैं वो कैसे बताऊँ सर, वो एल्स में बताएंगे ना। एक तो तरीका ये हो सकता है रिस्पॉन्स डॉट सेंड में वैसा ही लगा दूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में वैसा ही लगा दूँ यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये लूप चलता है यहाँ पे, हाँ सर बूलियन लगा के वहाँ पे ट्रू करवा दें अगर मिल, फ्लैग मुझे लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल वही तरीका है। अच्छा, तो खैर, तो ये मैंने लूप चलाया, इसके अंदर अगर कहीं पे भी इफ़ ट्रू होता है तो रिस्पॉन्स यहाँ से चला जाएगा, रिस्पॉन्स एक बार चला गया तो ख़त्म, अब दोबारा डबल रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते आप, ठीक है ना। तो अच्छा, ये ब्रेक भी हो गया यहाँ पे, तो ये लूप ख़त्म होने के बाद ये रिस्पॉन्स तो क्योंकि जा चुका है ना, तो लूप ख़त्म होने के बाद ये दोबारा हर हाल में ये चलेगा, हर दफ़ा चलेगा ये, तो मुझे ये एरर देगा कि रिस्पॉन्स तो जा चुका है भाई, ये दोबारा कहाँ भेज रहे हो आप रिस्पॉन्स, ठीक है, एरर देगा मुझे। अच्छा, तो अगर तो ये मतलब इफ़ ट्रू नहीं होता, 2000 के 2000 में यूज़र मुझे मिलता ही नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर तो ये रिस्पॉन्स चला जाएगा क्योंकि रिस्पॉन्स गया नहीं है तो चला जाएगा, लेकिन अगर ये मुझे मिल गया यूज़र तो उस केस में ये लाइन मुझे क्या देगी, एरर देती रहेगी कि भाई रिस्पॉन्स तो जा चुका है आप दोबारा क्यों भेज रहे हो, तो मुझे इसको भी इफ़ में करना पड़ेगा, ये ऐसे मुझे इसको खुला नहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इज़ फाउंड एक वेरिएबल बना लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, लेट इज़ फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, शुरू में मैंने फॉल्स रखा है इसको, जिसको इस तरीके को हम क्या कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, ये फ्लैग बना दिया मैंने कि भाई फाउंड जो है अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इस फाउंड जो है ट्रू हो गया, फाउंड हो चुका है, और फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई अगर नॉट इस फाउंड अगर नॉट है तो क्या बोलो कि यूज़र नॉट फाउंड, ये मैंने अपनी क्या कर ली, लॉजिक को परफेक्ट कर लिया मैंने। अब ये सिर्फ उस सूरत में चलेगा जब तक ये अगर फॉल्स मिलेगा जब ही चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इसमें ट्रू हो गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा, ट्रू के ऊपर नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स पे ये इफ काम नहीं करेगा फिर। तो ये मैंने एक लॉजिक बना ली कि अगर एक सिंगल यूज़र आपसे मांगता है कोई, तो आप कैसे उसको ला के दोगे, इस तरह फॉर लूप चला के आप ढूंढोगे, बीच में ब्रेक भी लगा दिया मैंने और फिर लास्ट में नॉट फाउंड वाला केस भी हैंडल कर लिया मैंने, ठीक हो गया। अच्छा, यूज़र्स में तो तमाम यूज़र भेजने हैं तो वो तो सीधा सीधा गया हुआ है आपका। उसके बाद पुट है कि एक यूज़र को मॉडिफाई करना है, एक यूज़र को मॉडिफाई करना है। अब मैं क्या करूँगा भाई, पहले तो मैं जो मुझे वो यूज़र चाहिए सब में पहली बात, ठीक है। तो यूज़र आईडी मैंने तलाश की और यही वाला फॉर लूप के भाई यूज़र को तलाश करके लाना है, जो पहले तो मैंने यूज़र को तलाश किया यहाँ पे से, ठीक है, पूरा फॉर लूप चलाया, जितने यूज़र थे उतनी दफ़ा फॉर लूप चलाया और मैंने कहा लेट यूज़र, यूज़र लिख दिया मैंने, ठीक है, यूज़र मैंने शुरू में एम्प्टी बना दिया। अगर मुझे यूज़र मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यूज़र इक्वल्स टू सॉरी, बल्कि मैं क्या लिखूँगा, यूज़र इंडेक्स लिखूँगा ना मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो एरे में मौजूद है लेकिन किस इंडेक्स पे मुझे ये नहीं पता है, मुझे किस इंडेक्स पे मुझे ये नहीं पता। यूज़र इंडेक्स मैं पहले लिखूँगा माइनस वन, मैं क्या लिखूँगा माइनस वन, शुरू में इसको रखूँगा मैं यूज़र इंडेक्स को। अगर मुझे यूज़र यहाँ पे मिल जाता है तो मैं बोलूँगा क्या, यूज़र इंडेक्स इक्वल्स टू क्या है, आई, दैट्स ऑल। यूज़र इंडेक्स क्या हो चुका है, आई, आई में क्या होगा, ज़ीरो से लेके 2000 के दरमियान का कोई एक नंबर होगा और मैं इसको ब्रेक करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यूज़र की, यूज़र का इंडेक्स जबकि मुझे मिल चुका है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊँगा एक इफ, मैं लिखूँगा अगर यूज़र इंडेक्स क्या है,
इक्वल्स इक्वल्स है अगर माइनस वन के, पहली बात तो इसका मतलब क्या है, यूज़र मिला ही नहीं है मुझे, यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि शुरू में मैंने माइनस वन रखा था, अगर ये इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो माइनस वन ही रहेगा वो, इसका मतलब है यूज़र मिला ही नहीं है मुझे। अच्छा एल्स में मतलब अगर यूज़र मिल गया तो एल्स चलेगा, एल्स में मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को मैंने मॉडिफाई करना है। यूज़र को मैंने मॉडिफाई कैसे किया भला, यूज़र को मैंने मॉडिफाई ऐसे किया, मैंने कहा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो फुल नेम आया है उसको कहाँ रखवा दो, यूज़र्स के जो भी इंडेक्स था जहाँ पे यूज़र था वो, उसके फुल नेम की जगह पे रखवा दो, ठीक है, और यूज़र नेम को यहाँ रखवा दो और पासवर्ड को यहाँ रखवा दो। अच्छा इमेजिन करो कि बंदे ने जो है सिर्फ फुल नेम अपडेट किया, यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज नहीं किया, तो उस केस में मेरा ये कोड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि फिर ये यूज़र नेम और पासवर्ड ना अनडिफाइन हो जाएंगे दोनों। तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर लगाना पड़ेगा इफ़, मुझे तीन अदद इफ़ लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा इफ़ अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर फुल नेम मौजूद है तो फुल नेम को जाके मॉडिफाई करो, अदरवाइज नहीं करो, सही है। फिर इसी तरह यहाँ पर भी एक इफ़ लगेगा, फिर इसी तरह यहाँ पर भी एक इफ़ लगेगा, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यूज़र नेम है तो जाके यूज़र नेम को मॉडिफाई करो, और अगर यूज़र ठीक है, अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पासवर्ड भेजा है बंदे ने, यानी अगर वो पासवर्ड को मॉडिफाई करना चाहता है, यानी पासवर्ड लिख के भेजा, तो जब जाके उसको क्या करोगे आप, इसको मॉडिफाई करो। अच्छा तो हमने ये देखा कि अगर हमारे इफ़ का जो कोड है अगर वो सिंगल लाइन का होता है तो उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं लगा देता हूँ, सही है, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लगा दें तो वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर कोई अपने अपने हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस पर भी लगा दो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है भाई। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कोड थोड़ा मैसी लग रहा है, सिंगल लाइन में थोड़ा सही लग रहा था, वेल एक ही बात है, लेकिन कोडिंग के फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा अगर तो यूज़र मिल जाता है, नहीं मिलता तो नॉट फाउंड बोलो, अगर यूज़र मिल जाता है वो तो ये उसको मॉडिफाई करो, और मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वो यूज़र पूरा सेंड कर दो आप, सही है, वो यूज़र पूरा आपने सेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई की जो रिक्वेस्ट होती है उसके रिस्पॉन्स में ना वो मॉडिफाई जो आइटम हुआ हुआ होता है ना वो पूरा आइटम आता है आमतौर पर, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, एक सिंगल यूज़र को मॉडिफाई करने की एपीआई को हमने तैयार कर दिया। अच्छा एक ही हो गई, अब आखिरी हमारा कौन सा रह गया, डिलीट सिंगल यूज़र, एक सिंगल यूज़र को डिलीट अगर करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है, बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज़ डिलीट जब करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, पहले तो उस यूज़र को मुझे फाइंड करना होगा, उस यूज़र को फाइंड करने के लिए ये तरीका है हमारा जो हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे, ये यूज़र को मैंने क्या कर लिया, यूज़र आईडी पैराम्स में से निकाला, यूज़र का इंडेक्स माइनस वन, ये मैंने यूज़र को फाइंड किया, उसका इंडेक्स तलाश किया, अगर इंडेक्स मुझे मिल जाता है, ठीक है, मैंने कहा इफ़, ये इफ़ वाला भी बल्कि यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ये भी मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने कहा इफ़ अगर माइनस वन इंडेक्स तो यूज़र नॉट फाउंड है, ठीक है, एल्स में यूज़र फाउंड हो गया, तो आप क्या करोगे, डिलीट और यूज़र इंडेक्स, ऐसे करके आप उसको डिलीट कर दोगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में से ना किसी भी चीज़ को डिलीट करने के काम आता है, ठीक है, या एरे में से एरे में के किसी इंडेक्स को डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल होता है, कोई बता सकता है, यूजर्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है, इससे एरे के दरमियान से कोई भी इंडेक्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ, एरे के दरमियान से कोई भी इंडेक्स मैं डिलीट करना चाहूँ तो स्प्लाइस के ज़रिए मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, यूज़र इंडेक्स के जो भी नाम था उसका वहाँ पर जाके खड़ा होगा और वहाँ से एक आइटम को उड़ा देगा, ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ, और ये काम करने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई यूज़र इज़ क्या था, ये डिलीट था ना, यूज़र इज़ डिलीटेड, ठीक है, यूज़र इज़ डिलीटेड बोल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने बोला यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, बिल्कुल सेट हो गया, ओके हो गया, ज़बरदस्त हो गया, सही है,
अच्छा डिलीट ऑल यूज़र्स, डिलीट ऑल यूज़र्स का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, यूज़र्स को, यूज़र्स को क्या कर देना है, एम्प्टी एरे बना देना है, ख़त्म, सारे यूज़र गट ख़त्म, गटर में चलेगा ठीक है, ऑल यूज़र्स आर डिलीटेड, ऑल यूज़र्स डिलीटेड, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये तो नीचे तो ऐसे ही रफ्ते इसको छोड़ें। अच्छा तो ये मैंने तमाम APIs को तैयार कर लिया। अच्छा इस API को मैं क्या कर देता हूँ, पुश भी कर देता हूँ वहीं पे, ये जो मेरा लास्ट था ना, इसको ओपन कैसे करेंगे, न्यू विंडो करके ना, मैं इसको हरिको पे पुश भी कर देता हूँ। सही है, हरिको पे इसको पुश भी कर देता हूँ मैं। क्या हो गया, ठंडा हो गया ये तो। हेलो वाह वाह क्या बात है, देता हूँ। गेट को क्या हो गया, हाँ हो गया। अच्छा ये मैंने चेंजेस ना उस पर पुश कर दिए हरिको पे, तो वो हरिको पे भी कोड जाके ये चल गया होगा, थोड़ी देर में ना हरिको पे भी चल जाएगा। क्या हो रहा है इसको, हरिको को आज गिट को क्या हो रहा है, कोई मसला हो रहा है। कह रहा है गिट लॉग को जाके चेक करो। गिट लॉग कैसे देखेंगे हम यहाँ पे, अच्छा शो गेट आउटपुट, पता नहीं क्या दिखा रहा है ये तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर दोबारा इसको यहाँ से पुश करते हैं, कहाँ गया ये रहा, पुश। VS कोड को एडिटर कुड नॉट बी ओपन्ड, व्हाट, फोर थ्री अच्छा ये पुश हो गया, कोई गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है इसके साथ। हो गया नहीं, वो चीज़ें तो पुश हो गई हैं सारी, ये एक जो है ना, ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है इसके साथ फोल्डर के नाम को जो है ना इसने एज अ फाइल कंसिडर कर लिया, और वो अब उसको लेके ना परेशान हो रहा है कि ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा तो ये हमने सर्वर जो है ना बना के तैयार कर लिया, अब देखते हैं हरिको पे ये पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब कैसे देखूंगा मैं हरिको पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, एक्टिविटी में जाऊंगा, एक्टिविटी में देखो मुझे दिख गया कि टुडे 10:24 PM पे ना ये डिप्लॉय हुआ है, सही है, यानी अभी 10:24 पे ये डिप्लॉय हो गया, यानी आज से अभी से 4-5 मिनट पहले। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं वो सारी APIs जब कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर डेटा मिलना चाहिए। अच्छा तो मैं आ जाता हूँ, ये पोस्टमैन उठा लेता हूँ। अब पोस्टमैन पे अब जब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा तो यूज़र क्रिएट करने में मुझे क्या होगा, बॉडी में मैंने ईमेल अच्छा नहीं ईमेल पासवर्ड तो नहीं था ना, वो क्या था अब जो मैं भेजता था, फुल नेम यूज़र नेम और पासवर्ड ये भेजता था मैं। अच्छा फुल नेम नहीं है यहाँ पे,
फुल नेम यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम है यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्रिएट होता है, तो मैंने सेंड का बटन दबाया, अच्छा गेट हुआ है ना, इसको पोस्ट करूँगा मैं, सही है, पोस्ट करूँगा इसको मैं, पोस्ट करके मैंने सेंड का बटन दबाया तो यूज़र इज़ क्रिएटेड आ गया। अब मैं जब गेट करूँगा ना, गेट किया मैंने और यूज़र सिर्फ लिखा हुआ है और सेंड का बटन दबाया, तो ये मेरा कोड ना ब्रेक हो जाएगा, देखो कोड ब्रेक हो गया क्योंकि मुझे यूज़र की आईडी भी तो देनी है। तो पहले मैं एस लिखूँगा, तमाम यूज़र को गेट करूँगा, सही है, देखो तमाम यूज़र गेट हो गए और ये मेरी यूज़र की आईडी है। एक यूज़र और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, सलमान लिख के मैंने एक यूज़र क्रिएट कर दिया, सेंड, ओ सॉरी ये गेट कर रहा हूँ दोबारा, पोस्ट करूँगा तो क्रिएट होगा, सलमान लिख के क्रिएट कर दिया मैंने, ये क्या हुआ, अच्छा एस नहीं लगाना था ना इस बार मुझे, सही है, यूज़र इज़ क्रिएटेड। अब मैं करूँगा आई डी सर्वर ने दी है इस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को, ये आई डी, जी आई डी आई डी मैंने ऐड किया था ना यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने से पहले, देखो मैंने आई डी बना के दिया था, ये देखो आपने ये फील्ड बनाई हुई, ठीक है ठीक है, ये मैंने यहाँ से, मैंने नहीं दिया, यूज़र ने यानी एज अ क्लाइंट फॉर्म पे फिल नहीं किया किसी ने, लेकिन ये सर्वर ने जनरेट किया आई डी, ठीक है, रैंडम नंबर। अच्छा अब मुझे इसमें से कोई एक गेट करना है, सलमान को गेट, तो सलमान की आई डी मेरे पास ये होनी चाहिए, सलमान की आई डी कॉपी की मैंने, मैंने कहा गेट करो और यूज़र और स्लैश और सलमान की आई डी, सलमान यूज़र गेट हो क्या आएगा आप, सिर्फ देखो सलमान गेट हो के आ गया यहाँ पर, सही है। अगर मैं आई डी गलत लिख दूँ, मैं ऐसे थ्री की जगह मैं वन लिख दूँ यहाँ पर, तो ये आई डी क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये बोलेगा भाई यूज़र नॉट फाउंड। तो ये हमारी ना REST API तैयार हो गई है, छोटी सी, छोटी स्मॉल स्केल की, ठीक है, और इस इन रूल्स के तहत, अच्छा इसमें एक रूल अभी फॉलो नहीं हुआ हुआ, ये स्टेट लेस वाला, ये भी इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, ये जैसे ही अगला काम, अब हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस सीखेंगे अब इंशाल्लाह, अगला काम हमारा ये है, एक दो छोटी छोटी चीज़ें हम सर्वर पे और रहती हैं हमारी, और फिर हम डेटाबेस की तरफ मूव करेंगे, सही है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी और यहीं से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ सर। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मैं भी पेप्सी लेने जाऊँ। क्या लेने जाएंगे? पेप्सी। हाँ, देख देख के मुझे भी दिल चाह रहा है यार, आज बड़ा बैड लक हुआ, मेरे पास ना लाइट चली गई थी क्लास से पहले, तो मैं तो भाई पसीना वसीना अपना सुखाने में लगा हुआ हूँ, फिर इत्तेफाक से लाइट तो आ गई थी 8 बजे फिक्स, लेकिन वो पसीना सुखाने के लिए ना मैंने कहा कुछ ठंडा ठार होना चाहिए तो मैं जल्दी से भाग के गया नीचे, पानी नहीं पिया ना इसलिए मुझे और प्यास बढ़ गई। हाँ ये देखिए ना, मैंने तो ये पानी भी ऐसे ये बना के मैंने रखा हुआ है ठंडा वाला यहाँ पे, मुबारक। तो पसीना वसीना सुखा के ना बिल्कुल ठंडा ठार करके ना दिमाग को, मैंने कहा यार अब आता हूँ क्लास लेने, ताकि जो है ना क्लास प्रॉपर होना चाहिए सर। अच्छा चलो यार, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।